कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर मंगदा मैं तेरी। ये छाता मेरा है मुझे दे दो। नहीं ये छाता मुझे मिला इसे तो मैं ही रखूंगा। ये मेरा छाता है और मैं ऊपर वाले को थैंक्स भी बोल चुका हूँ इसके लिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ले रही छाता तुम्हारे कैसे हुआ? ये मेरा छाता है, मेरे हाथ में, इसका मतलब मेरा, और मैं कम भीगा हूँ तुम ज्यादा भीगी। अरे मैं पूरे होटल को आग लगाने वाला हूँ ताकि शालिन उसका बॉयफ्रेंड कमरे से बाहर आए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इस होटल में बहुत से और भी गेस्ट हैं। तुम सबकी लाइफ डेंजर में डालोगे क्या? कोई मर भी सकता है। अरे तो क्या करूं? शालिन कहा तो अपने भाई की मौत होने दो। हाँ समझती हूँ। ये देखो बेबी डॉल, तुम्हारा हीरो आ गया तुम्हें बचाने। करण, जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आई, करण ने हमेशा मेरा साथ दिया। कभी एक बार भी अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा, बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरी मदद की। आज करण जिस भी हाल में है ना, उसकी जिम्मेदार ये लड़की है। ना ये करण को क्लब में बुलाती, ना करण इतनी बड़ी मुसीबत में फंसता। करीना बुआ ने कुछ गलत नहीं कहा, ये सच ही तो है। आज मेरी वजह से ही करण का करियर, उसका फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। इतना पॉपुलर फेमस क्रिकेटर एक झटके में लोगों की नजरों से गिर जाएगा, और इन सब का कारण मैं हूँ, सिर्फ मैं। नहीं, मैं करण को टूटने नहीं दूंगी, मैं उसका भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगी। करण ने हर हाल में हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और अब मैं भी हर हाल में उसका साथ दूंगी, उसे जेल में नहीं रहने दूंगी। लेकिन सर हम सब तो जानते हैं ना कि आपका वनडे 2020 में सिलेक्शन हो चुका है। हाँ यार, लेकिन जिस तरह से मेरे बड़े भाई ने मुझे ये बात बताई थी ना, जान निकल गई थी मेरी यार। मतलब ऐसा लगा कि चांस गया हाथ से, लेकिन जब बाद में पता चला कि मेरी टांग खींच रहा है तो पूछ मत। मतलब धमाका, बस सातवें आसमान पर मैं था। जिंदगी का बेस्ट दिन था वो मेरे लिए यार, सच में। जैसे जैसे साउथ अफ्रीका जाने का दिन पास में आ रहा ना, एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है मेरा। यहाँ से छूटते ही ना सीधा अपने देश के लिए खेलूंगा। बस यही एक बात है यार जिसकी वजह से मैं मुस्कुराता रहता हूँ यहाँ, और ना ऐसी जगह पे मैं दो मिनट भी ना रुकूँ, इम्पॉसिबल। सच बताऊँ सर, आपके साथ यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सर बहुत स्पेशल महसूस हो रहा है। सर एक बात कहें सर, कभी कभी आप यहाँ हमसे मिलने आओगे ना? आऊंगा पक्का ना सर। यस। नहीं प्रीता, आज तेरे ये आंसू किसी काम के नहीं है। जब जब तू परेशान होती है, तेरी उम्मीद टूट जाती है, वो करण ही है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान लौटा देता है। और आज तेरी वजह से करण की खुशियाँ, उसके चेहरे की स्माइल सब छिन गई। तू ये कैसे होने दे सकती है? तू ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकते। करण वो मैच जरूर खेलेगा जिसके लिए वो सिलेक्ट हुआ है। अब चाहे जो भी हो, उसके नाम पर जो झूठा कलंक लगा है तुझे हटाना ही होगा। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? हाँ अच्छी खासी शक्ल की बैंड बजा दी, बाहर तूफान आया क्या? कम कम यार मेरे पास आओ। तुम्हारा दिमाग ना बहुत दिनों से खाली है, तो देखो बरगद का पेड़ भी उगा है, अंदर जगह नहीं मिली तो कुछ पत्ते निकल आए बाहर। ऐसे प्रीता अरोड़ा एक बात बताओ, तुमको ज्यादा ही सैड नहीं हो रही मेरे लिए? और फिर कहती हो यू डोंट लाइक मी? हाँ
अरे यार कैसी दोस्त हो तुम, मेरे ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं तुम्हें। ओ मैडम, अब उनका नाम ना करण लूथरा है, करण लूथरा मैडम। और मैं ना पैदाइशी मुकद्दर का सिकंदर हूँ, किसी मुसीबत से बाहर निकलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझी तुम? ओके ना, अब उनका लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है मैडम, तो कभी कभी ना बैड लक गुड लक से टकरा जाता है, लेकिन टकरा के वापस अपन के पास ही आ जाता है, समझी? अब देखो ना, मैं जेल में बंद हूँ लेकिन यहाँ पे भी मुझे बड़े मजे आ रहे हैं, बहुत सारे फैंस हैं मेरे जो मेरी ईगो को सेटिस्फाइड करते रहते हैं, मेरे नाम के नारे लगाते रहते हैं, मेरी तारीफ करते रहते हैं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ, और घर पे ना दादी भी मेरी बहुत बड़ी फैन है। रीता, मेरा एक काम करो कि घर जाके ना दादी और माँ को बोलना, बोलना नहीं उनको, उनको उनको यकीन दिलाना कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। ओके हाँ, और ऋषभ आया था यहाँ, वो कह रहा था कि दादी और माँ बहुत दुखी हैं, कुछ खा भी नहीं रही। देखो उनको बोलना मैं बहुत जल्द यहाँ से वापस आ जाऊंगा, मैं बहुत मजे में हूँ यार, मेरे कितने सारे फैंस, पूरा राजा की तरह दरबार लगता है मेरा यहाँ। और हाँ, माँ को बोलना बहुत सारी नई डिशेस बना के रखेंगी। ओके, वो प्रैक्टिस में ना साथ लेकर जाऊंगा, सबको माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है, वो सारे ना बुक्कड़ है, माँ के हाथ के खाने पे टूट पड़ते हैं। घर का खाना बहुत मिस कर रहा हूँ यार। ये सब छोड़ो यार, मैं ना क्रिकेट बहुत मिस करता हूँ यार, वो ग्राउंड, वो प्रैक्टिस, वो सब कुछ यार। आई मीन सबको लगता है यार क्रिकेट बहुत इजी है यार, लेकिन नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं बहुत मेहनत करूंगा, देखना वो इंटरनेशनल मैचेस में ना अपना नाम बनाऊंगा मैं, तुम देखना। प्रीता तुम्हें याद है, तुम जब पहली बार मेरे घर आई थी तुमने वो बॉल फेंकी थी मेरी तरफ, एंड आई मिस दैट, यू रिमेंबर? एनीवेज छोड़ो यार, आई मिस दैट ग्राउंड, प्रैक्टिस, सब कुछ। साउथ अफ्रीका टूर की कोई खबर आई न्यूज में? मैं करण को कैसे बताऊं, कैसे टीम से निकाल दिया गया है? तुम्हें कोई होश भी है? तुम कोई क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं हो, सलाखों के पीछे हो, और मेरी वजह से, सारी मेरी गलती है, मुझे पता है। सब लोग जो कह रहे हैं कि मैं इस हालत की जिम्मेदार हूँ, बिल्कुल ठीक, मेरी वजह से ये सब हो। Are you crazy? Are you silly? कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, okay? It just happened, yeah. Right. Aborning. Aborning. Pritha. 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 संतोष से काम करो जी, इस फाइल को अभी रख दो, मैं बाद में चेक करता हूँ इसे। ठीक है सर। सर। तुम फिर आ गई, पढ़ी लिखी लड़की हो, समझदार हो, फिर भी इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा ना, करण लूथरा को मैं नहीं छोड़ूंगा, मतलब नहीं छोड़ूंगा। नहीं सर, मुझे मतलब तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी। मैंने बोला ना, ये मामला छोटा मोटा नहीं है, ड्रग्स का मामला है, लेकिन बात तुम्हारे खोपड़ी में नहीं आती। अभी देखो, तुम्हारी माँ के कहने पर मैंने ऋषभ लूथरा को छोड़ा ना, वैसे ही तुम सबकी गारंटी पर मैं करण को वार्निंग देकर छोड़ सकता था, अगर उसका मामला छोटा मोटा होता तो। लेकिन ये तो हिमालय पर्वत की तरह बड़ा मामला है, बड़ा केस है। आप मेरी एक बार बात सुनेंगे प्लीज? ठीक है, सुन लेता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने वही पिछली कैसेट बजाकर मेरा दिमाग खराब किया ना, तो इस बार नक्की जेल में बंद कर दूंगा। चिल्ला रहा जी साहब, जैसे ही ऑर्डर करूँ ना, इसे उठाकर सीधे जेल में बंद कर देना। ठीक है साहब। अब बोलो क्या बोलना है। सर, वो बात यह है कि जो सच है वो मैं किसी से कह नहीं पाई, क्योंकि क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, तो सच मेरी जुबान पर आते आते लौट गया। ऐसा क्या कर दिया तुमने? सर, क्लब में जो ड्रग्स की डीलिंग कर रहा था वो करण लूथरा नहीं था सर, वो मैं थी, प्रीता अरोड़ा। जी सर, यही सच है। एक्चुअली सर, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने ये गलत काम अपना लिया। मेरे पास ड्रग्स थी और मुझे किसी भी तरह उसे बेचना था सर, इसलिए मैं उस क्लब में गई। आपकी असली गुनहगार मैं हूँ सर, मैं हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इसका मतलब ड्रग्स के धंधे में तुम शामिल हो, और उस दिन सिटी जोन क्लब में ड्रग्स बेचने तुम गई थी।
जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वो ड्रग्स का पाउच तो हमें करण के पॉकेट से मिला था। राइट सर, क्योंकि क्या हुआ ना, जब उस क्लब पर पुलिस की रेड पड़ी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसी वक्त मुझे मेरे सामने करण लूथरा दिखा, तो मुझे लगा कि ये तो फेमस क्रिकेटर है, इस पे किसी का शक नहीं जाएगा, तो मैंने अपना ड्रग्स का पाउच उसकी पॉकेट में डाल दिया। लेकिन सर, उसके बाद से मुझे इतना बुरा लग रहा है, करण को इस तरह देखकर मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है सर। कह रही है, धिक्कार है तुझ पर जो तूने अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्त को फंसा दिया। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ आकर सब कुछ सच सच कह दूंगी सर। आप प्लीज मुझे अरेस्ट कर लीजिए और करण लूथरा बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए। क्या? मगर क्यों? क्या हुआ? पर दादू, मेरे दोस्त का मैसेज आया, कह रहा है कि अभी के अभी न्यूज़ चैनल लगाओ। अरे तो लगा। हमारे सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स ट्रैफिकिंग जैसे संगीन जुर्म में पकड़े जाने के वजह से करण लूथरा को इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल से बाहर निकाल दिया गया है और उनके जगह एक नए क्रिकेटर को सिलेक्ट कर लिया गया है। नए क्रिकेटर के साथ प्रैक्टिस सेशन भी शुरू हो चुका है और करण लूथरा के भविष्य को लेकर क्रिकेट की दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या करण लूथरा अपनी पुरानी जगह बना पाएंगे या फिर ये उनका करियर का अंत है। कितना होनहार है ना करण, कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है और कितना खुश था जिस दिन वो राखी जी के साथ आया था हमें बताने कि वो इंडिया की टीम से खेलने के लिए साउथ अफ्रीका जा। सच में उसका तो पूरा करियर ही सत्यानाश हो गया। शर्ला, तूने बहुत ही गलत वक्त पर भेज दिया प्रीता को वहां। अरे वो लोग तो उसे अब कभी भी माफ नहीं करेंगे। मैडम, कानून का रखवाला हूँ, कहीं से भी दिखाई देता हूँ कि भेड़ बकरी चराने वाला हूँ। बहुत देखे हैं आप जैसे नमूने, बहुत। एक बात याद रखना, सूंघ कर पता कर लेता हूँ कौन शरीफ है और कौन बदमाश। अब बड़ी इज्जत के साथ यहाँ से निकल जाओ वरना धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगा। मेरा टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। देखो फोन लगाती हूँ। आप फोन ही नहीं उठा रही है। लगता है मुझे ना लूथरा हाउस चले जाना चाहिए, मेरी प्रीता को मेरी जरूरत होगी। समीर तो होगा ना वहाँ, समीर को फोन लगाती हूँ। ओह गॉड, अब तो वो लोग मेरी दी को पता नहीं क्या क्या सुनाएंगे। पता नहीं मेरी बच्ची पर वहाँ क्या गुजर रही होगी। वो करीना तो नोच के खा जाएगी मेरी बच्ची को। हाँ सृष्टि। हाय समीर, प्रीता दी है क्या वहाँ पर? नहीं, I mean, क्या मतलब? आई नहीं क्या वहाँ? सृष्टि, चलिए बात यह है कि सबने न्यूज़ पर देखा कि करण भाई को टीम से बाहर निकाल दिया, तब प्रीता भी यहीं पर थी। अचानक से करीना बुआ को इतना गुस्सा चढ़ा, उन्होंने अपना सारा गुस्सा प्रीता पर निकाल दिया। उसे बहुत भला बुरा कहा यार, बहुत भला बुरा कहा। बेचारी यहाँ से रोते रोते गई है। सॉरी सृष्टि, मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया यार, I'm really sorry यार। कितनी देर पहले निकली थी? करीबन एक घंटा पहले। अभी इतनी होगी प्रीता, ये करीना मैम को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी ना, बस मुझे मौका मिलना चाहिए। आपको पता है माँ, जब ये न्यूज पहली बार आ रही थी ना तो दी लूथरा हाउस में ही थी, अभी बस एक घंटे पहले ही निकली है। अगर वो घर से निकल गई तो फिर कहाँ गई? उसे तो अभी तक घर आ जाना चाहिए था ना, फिर आई क्यों नहीं? हे भगवान, मैंने क्या बीत रही होगी मेरी प्रीता पे। जानकी आंटी, मैं अपनी बहन को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ, मुझे तो डर है कि कहीं वो मुझे जाना होगा। सिस्टी जी, एक मिनट रुक, मेरी बात तो सुन ले। अच्छा सुनो, तुम दोनों को 2020 मैच के टिकट एक शर्त पे दे रहा हूँ, वहां जाके कोई चोरी नहीं करोगे, ओके? नहीं सर जी। नहीं सर जी, आपके खेल के मैदान में हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर। पक्का? हाँ पक्का सर, पक्का सर, पक्का ना? पक्का सर। बस अब और नहीं, करण अब और तकलीफ नहीं झेलेगा, उसे खेल का मैदान जरूर मिलेगा, वो खेलेगा, वो इंडिया के लिए जरूर खेलेगा, उसके सपने नहीं टूटेंगे, मैं नहीं टूटने दूंगी किसी भी कीमत पर नहीं।
फिर आ गई तुम? आप सुनते क्यों नहीं है, असली गुनेगार मैं हूँ। देखो मैं यहाँ का सीनियर इंचार्ज हूँ, उस दिन ड्यूटी पर मैं ही था और तुम जानती हो कि करण को भी मैंने अरेस्ट किया है, इसलिए इस केस की सारी डिटेल्स मुझे पता है। देखिए सर, देख ही तो रहा हूँ, करण को अरेस्ट करने से पहले से तुम उसे कानून के शिकंजे से बचाने की कोशिश कर रही है। जब उसे यहाँ लाया गया तब तुम पीछे पीछे आ गई, कहने लगी वो बेगुनाह है, और जब वो जेल में है तो रोज आकर मुझे परेशान कर रही हो। यही तो मैं कह रही हूँ सर, इसीलिए क्योंकि वो बेगुनाह है, कसूरवार मैं हूँ, क्योंकि ड्रग्स तो मेरे पास थी, मैंने उसकी जेब में डाल दी थी सर, वो बेगुनाह, उसे छोड़ दीजिए। मुझे लगा कि इतना फेमस क्रिकेटर है, इतनी बड़ी फैमिली से, कोई बड़ा वकील करेगा और आप लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन सर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और उसके बाद जो गिल्टी फीलिंग मुझे हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ सर। मैं अपना गुनाह कबूल कर रही हूँ, आप मुझे गिरफ्तार करिए और उसे छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है। तुम्हें क्या लगता है, तुम कुछ भी कहोगी और मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर लूंगा? तुम्हें अरेस्ट करने के लिए मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है, और ये जो तुम्हारा कन्फेशन है ना, इसमें गुनाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ करण लुथरा के लिए प्यार नजर आ रहा है, और ऐसे प्यार की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं जो एक मुजरिम के लिए हो। आप दो मिनट मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको सब समझा सकती हूँ। देखिए सर, मेरी माँ है ना जो आई थी कल, उनके नाम पर एक मैरिज हॉल है, कुमकुम भाग्य हॉल सर, गवर्नमेंट ने उस पर बड़ा टैक्स लगा दिया है, और वहां में कहा है कि अगर हम वो टैक्स BMC में डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो वो बेच देंगे हॉल। मैं पैसे के लिए इतनी डेस्परेट थी, कुछ भी कर सकती थी, तो किसी ने मुझे ये पाउच दिया ड्रग्स वाला, और कहा कि अगर वो रीयूनियन पार्टी में मैं ये ड्रग्स बेच दूंगी तो मुझे बड़ी रकम देंगे सर, इसलिए मैंने ये सब किया। अच्छा, तो तुम पुलिस स्टेशन में खड़े होकर मेरे सामने उस गुनाह को कबूल कर रही हो जो तुमने किया ही नहीं है। देखो प्रीता, तुम्हारी भला इसी में है कि चुपचाप घर लौट जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हारी बात का विश्वास करके तुम्हें जेल में बंद कर दिया ना, सारी जिंदगी जेल में सड़ोगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जेल के अंदर की जिंदगी क्या है, और एक बार मुजरिम का थप्पा लग गया ना, अपनी नजर में गिर जाओगी, कभी जिंदगी में चैन से जी नहीं पाओगी, इसलिए अब भी वक्त है। मैं कह रहा हूँ चुपचाप लौट जाओ, वरना मुझे मजबूरन जेल में बंद करना पड़ेगा। तो करिए ना जेल में बंद, यही तो मैं आपको कह रही हूँ, गुनाह मैंने किया, अब मुझे अंदर बंद कीजिए, उसे बाहर निकालिए, उसने कुछ नहीं किया सर। ऐसे गुस्से से क्या देख रहे हैं सर, जब मैं अपना गुनाह कबूल कर रही हूँ तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? सब जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे आपको परवाह ही नहीं है कि जुर्म किया किसने है। अरे आपके हाथ तो इतना बड़ा फेमस क्रिकेटर लग गया है करण लूथरा, और इस केस के चलते आपको भी बहुत पब्लिसिटी मिलेगी ना सर, और फिर क्या पता बहुत तगड़ा प्रमोशन भी मिल जाए, और ये सब आपको उसको गिरफ्तार करके हासिल होगा, वो जैसे कॉमनर को अंदर करके आपको क्या मिलेगा, राइट? क्या बकवास है, सब झूठ है ये। सबसे बड़ा सच यही है सर कि कानून के रखवाले बनकर आप ही कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, मैं सारा मीडिया यहाँ पर बुला लूंगी और सबके सामने ये सच कह दूंगी कि मैं कब से बोल रही हूँ कि गुनाह मैंने किया है, ड्रग्स मैंने करण लूथरा की जेब में डाले, मैं अपना गुनाह कबूल रही हूँ, लेकिन ये अपनी पब्लिसिटी और प्रमोशन के चक्कर में अभी भी करण लूथरा को ही गुनहगार ठहरा रहे हैं, मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट तक नहीं कर रहे हैं, अपने फायदे की खातिर एक बेगुनाह को बलि पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। शिंदे भाई, इन्हें लॉकअप में बंद कर दो। यस सर। शीलर। जी साहब। तुम करण लुथरा को छोड़ दो। ठीक है साहब। मिस्टर करण, आपकी रिहाई का ऑर्डर मिला है मुझे, छोड़ा जा रहा है आपको। What? संतोष, तूने वही बोला ना जो मैंने सुना? बिल्कुल, हमने भी वही सुना है सर जी, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। बहुत बहुत मुबारक हो सर जी, आप आजाद हो गए। सुबह भाई आया था ना मेरे, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकाल लेगा, लेकिन इतनी जल्दी, हैट्स ऑफ टू हिम। लेकिन सर, आपकी रिहाई आपके भाई की वजह से नहीं हुई, बल्कि असली गुनहगार पकड़ा गया है इस वजह से आपकी रिहाई हुई है। असली गुनहगार कौन है वो कमीने साला, पता मुझे? हाँ वो है ना थाने में अंदर, बयान दर्ज हो रहा है उसका। आज उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। कौन है वो? यही तो है वो असली गुनहगार, अपना गुनाह कबूल भी किया है इसने। थैंक गॉड, करण छूट गया।
ये क्या किया तुमने? ये क्यों किया तुमने? जवाब तो, ये सब क्यों किया तुमने? इसकी क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तुमने ये सब क्यों किया? बोलो, ये सब क्यों किया? क्यों बोला तुमने ऐसा? बोलो जल्दी इंस्पेक्टर, ये बेकसूर है, इससे कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोली आपसे। बोलो, मैं कह रहा हूं, बोलो। ओ, ओ, हेलो हेलो मिस्टर, बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। मैडम ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर एक मेरी बात सुनिए, देखिए इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। मुझे सिर्फ प्रीता क्यों बनी, मुझे जवाब दो क्यों किया प्रीता? एक मिनट इंस्पेक्टर, बात कर रहा हूँ मैं, एक मिनट पूछ लेता हूँ यार, एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्यों किया? एक मिनट, क्यों किया? एक बेगौर सर फ्री आ गई, अब ये चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब करेगी। कांस्टेबल बाहर निकालो इसे। लेकिन झूठ बोला दोनों को उठाकर बाहर देखो। मुझे बात करने दे यार, बंद करो लॉकअप में इसे। अरे सुमोनिका, तू भी आ जाना बेटा, नाश्ता ले ले। थैंक यू दादी, मैं कर आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कमाल है आज तो रॉबिन ने कमाल कर दिया। अभी का कंसर्ट है ना, इसलिए हाँ कितना अच्छा नाश्ता बनाया। पर दादी हम तो इसी बात से खुश है कि चाचू ने हमें कॉन्सर्ट में बुलाया। थैंक यू चाचू। लेकिन बबली वहां पर जाकर ना बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा तुम्हें। अगर ज्यादा मस्ती की ना तो तुम्हें अपने चाचू को तो पता है, वो माइक के ऊपर ही डांट देंगे और फिर सबको वो डांट पता चलेगी। ओए मिताली तू इसकी फिगर मत कर, अगर ऐसा हुआ भी ना तो अभी डांट को भी गाने में सुना देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रे करो मिताली कि तुम्हारे बच्चे स्टेज से दूर रहे, वरना इनके चाचू के साथ साथ तुम्हारे चूजे भी मर जाएंगे। इंदु अभी को क्या हुआ, ये इतना गुमसुम क्यों बैठा है? दीदी वो गुमसुम नहीं बैठा है, गुस्से में बैठा हुआ है। मुन्नी आजा बेटा आजा, तू भी नाश्ता कर ले। अभी क्या कर रहा है यार, बैठने देना दी को। ये तेरी दी नहीं है, ये मुन्नी है और ये यहां नहीं बैठ सकती। हाँ हाँ पता है मुन्नी है ये, कोई चेयर है नहीं ना, हो तो बैठने देना इसे भी। कोई बात नहीं दादी, मैं वहां बैठ जाती हूँ। ना यहाँ ना वहां, ये कहीं पर भी नहीं बैठ सकती। ये टेबल घर के फैमिली वालों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। और उन लोगों के लिए बिल्कुल ही नहीं जो अपनों की शक्ल में आपके दुश्मन बनकर रहते हैं। क्या हो गया तुझे, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कल तक तो सब ठीक था। दादी कल तक मैं धोखे में था, लेकिन आप मुझे सब कुछ पता चल गया। आप भी धोखे में मत रहिए। जिसे आप सीधी साधी लड़की समझ रही है ना, वो एक्चुअली एक चालाक, धोखेबाज और दुश्मन है। और दुश्मन की जगह घर में नहीं बल्कि घर के बाहर होता है। पर अभी इसने तेरी कितनी मदद की है, अरे जान बचाई है तेरी। ये सब एक नाटक कर रही थी, घर में तो इसने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अब हम सबके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ये सबसे कहती रही कि मैं मुन्नी हूं, मैं मुन्नी हूं, और काम प्रज्ञा वाली करती रही ताकि हम सबको लगे कि ये प्रज्ञा है। इसने घर में अपनी जगह बना ली लेकिन लोगों के दिल में नहीं बना पाई। लेकिन दादी जिसके सीने में दिल ही नहीं है वो दूसरों के दिल क्या जीतेगा, इसे तो सिर्फ दिल तोड़ना आता है। इसने मेरे भरोसे के साथ साथ मेरा दिल भी तोड़ा है दादी। अगर प्रज्ञा होती तो ये सब नहीं करती। ये तो मुन्नी है ना, हमारी दुश्मन।
और दुश्मन तो सिर्फ धोखा दे सकती है। तुम क्या बोल रहे हो? दादी प्लीज आप इसकी तरफदारी मत कीजिए। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच, ना दोस्ती का ना इंसानियत का। अभी हमारी खुशियों में कभी शामिल नहीं होगी, नहीं आज रात के कॉन्सर्ट में। लेकिन बस मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अभी 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 ओ पुत्र, चलो अच्छा है अभी ने हमारा काम कर लिया, अब हमें साथ और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उस मुन्नी को प्रज्ञा बना के यहाँ पे लेके आए, फिर अभी इस प्रज्ञा को घर से बाहर निकालेगा। चुप रहो, काम हुआ नहीं कि तुम पहले सपने देखने लगी हो। चुप चाप चलो यहाँ से। वाओ, मेरा काम तो आसान हो गया। ये अगर सच में प्रज्ञा नहीं और मुन्नी है तो ये थोड़ी ना बचाएगी अभी को। सॉरी अभी, बुरे वक्त में आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है तो ये क्या चीज है। आज तुम्हारा मरना तो तय है। तो मुझे नहीं पता कि आपने अभी से ऐसा क्या कहा है जो वो इस तरह रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप ही मेरी प्रज्ञा थी, क्योंकि इतना सब मेरी प्रज्ञा दी सह सकती है। पूरा तुम मेरा एक काम करोगे? जी बोलिए ना। देखो आज कॉन्सर्ट में तो मैं नहीं आ पाऊंगी ना, और उस डिटेक्टिव ने कहा था कि वो इंसान जो इन्हें मारना चाहता है वो बहुत खतरनाक है, वो सब कुछ जानता है, हम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो बस तुम हर वक्त इनके साथ रहना, इनका ध्यान रखना प्लीज। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू जी। मैं आती हूँ। जी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। और सृष्टि भी पता नहीं कहां चली गई है बिना बताए, कम से कम फोन तो कर सकती थी। और देखो प्रीता का फोन भी नहीं लग रहा है मुझे तो। अभी भी मैंने सृष्टि को यहाँ आते हुए देखा है। अब परेशान ना। सृष्टि, माँ कमरे में कहाँ जा रही है? तू तो बोल के निकली थी ना कि तुझे पता है प्रीता कहाँ है, तो फिर कहाँ है प्रीता? तेरे साथ क्यों नहीं आई? जहाँ गई है ना, आपकी मेहरबानी से गई है। मेरी बहन जेल के सलाखों के पीछे बंद है, और कुछ पूछना है आपको? प्रीता, ऐसे हुआ है और आपकी वजह से हुआ है। पड़ गई ना आपके दिल में ठंडक? ओ सृष्टि, माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? तो कैसे बात करते हैं? माँ ऐसे करेगी तो चलेगा, अपने बच्चे को जेल भेज देगी। अरे इन्हें तो अपने बच्चों से ज्यादा दूसरों की बातों पर विश्वास है, तभी तो सबकी बातें सुनकर मेरी दी को इतना कुछ सुनाया है इन्होंने। कहती है कि हम सब प्यार करते हैं, कुछ प्यार व्यार नहीं करती है ये, झूठी है, नौटंकी है, ढोंगी है, ढोंग है। करती हूँ तुझे भी और प्रीता को भी बहुत प्यार करती हूँ। ये है आपका प्यार? ये माँ हूँ, जान से ज्यादा अगर प्यार करती हूँ ना, गलतियों को सुधारना भी आता है मुझे। गलती की थी उसने, इसीलिए सुधारने के लिए किया था ये सब कुछ। और जब आप गलती करेंगे तो कौन आएगा आपको सुधारने? हाँ आपकी गलती ये है कि आपकी वजह से मेरी दी जेल में है, और उनका कसूर ये है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, आपकी इज्जत करती है। अरे अपनी माँ की नजरों में गिरना उनके लिए मौत के बराबर, आपको समझ में आ रही है बात? उनके लिए उनकी माँ सबसे बढ़कर है, उनकी सच्चाई से बढ़कर माँ का हुक्म है उनके लिए। आपने कहा था ना कि लूथरा हाउस जाके माफी मांग ले, चली गई वो। और माफी किसके लिए? सबको पता है कि मेरी दी कितनी सच्ची है, बस आपको उनकी सच्चाई नहीं दिखाई देती है। आपने उन्हें उस गुनाह का एहसास कराया जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। अरे उन्होंने कितना कुछ समझाया सबको, उन्होंने करण सर को क्यों बुलाया था क्लब में,
करीना मैम कैसी कड़वी कड़वी बातें सुनी उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ। लेकिन जब आपने कहा ना उन्हें कि तेरी वजह से करण सर जेल में, तो वो पूरी तरह से टूट गई माँ, पूरी रात भर रोती रही। मैंने मैंने कहा था उन्हें कि माँ से झूठ बोले कि उन्होंने लूथरा से माफी मांग ली है, मामा को कुछ पता नहीं चलेगा, झूठ बोलो। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि अपने माँ से मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि अब माँ है ना, आज आपकी वजह से वो जेल में है। अरे गलती हो गई उनसे कि हम इस घर में रहने आ गए, गलती हो गई, हमें नहीं आना चाहिए था। अगर हम यहाँ नहीं आते तो आज मेरी दी मेरे साथ होती, जेल की कोठरी में नहीं। आपको पता है उन्होंने पुलिस को क्या कहा है? उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स उनके थे, उन्होंने करण सर के पॉकेट में ड्रग्स डाले थे। और आपको पता है उन्होंने ये झूठ क्यों कहा? आपकी माफी के लिए, उन्हें आपकी माफी चाहिए थी, आपकी वजह से उन्होंने पुलिस को झूठ कहा, कुर्बानी दे दी मेरी दी ने। अरे वो ऋषभ जी ने ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स अपॉइंट किए थे करण सर को बाहर निकालने के लिए, कुछ किया उन लोगों ने नहीं ना? आपको पता है करण सर जैसे बाहर कैसे निकले? क्योंकि दी ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। इन्हें दी की जिंदगी बर्बाद हो गई, ड्रग्स के चक्कर में अंदर चली गई है, उनको कौन बचाएगा अभी बताओ? आप मेरी दी की जिंदगी बर्बाद करने का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको जाता है माँ। And I hate you for this. अब इससे बुरा और क्या हो सकता है हमारे साथ? उस लड़की की वजह से मेरा पूरा परिवार इतनी तकलीफ में है। इस घर की बेटी हूँ, मेरा फर्ज है सबकी देखभाल करना। और शर्लिन, तुम इस घर की बहू हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। करण की वजह से सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, भाई ने कितनी मुश्किल से भाभी को संभाला, सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया। एक काम करो शर्लिन, किचन में जाओ और सबके लिए कुछ बना दो। मामा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, किचन में जाके शर्लिन की मदद करो। आज सब नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी, मैं नहीं चाहती थी कि वो हमें इस हाल में देखे। जाओ बेटा। जी। फंस गई मैं तो, अब मुझे इनके लिए कुकिंग करनी पड़ेगी। अरे मुझे तो सैंडविच तक बनाना नहीं आता। शर्लिन, बाकी जी क्या कर रहे हैं आप? मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, बस मुझे मेरा करण चाहिए। अरे करण आ जाएगा, हम लेके आएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझसे वादा किया था लेकिन करण नहीं है। समझाओ ना, मानी नहीं है। मैंने कहा जा रही है, मैं नहीं सुनूंगी। भाभी सुनो सही। अरे आप क्या कर रहे हो? मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। करण, ओह नो, ये जेल से कैसे छूट गया? तू जेल से आ गया? मेरा बेटा घर आ गया। आप रो क्यों रहे? मैं वापस आ गया ना अभी। तू घर आ गया बेटा। मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? ठीक। मैं जानती थी ऋषभ जी ने जो लॉयर हायर किया वो बहुत अच्छा था। देखिए ना, करण आज के आज जेल से छूट गया। रॉन्ग, मुझे किसी लॉयर ने बाहर नहीं निकाला। करण बेटा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इतना सब कुछ हो गया तो पुलिस ने तुम्हें कैसे छोड़ा? दीदी छोड़िए ना उन सब बातों को, मेरे करण को किसने छोड़ा, वो जेल से बाहर कैसे निकला, ये सब मायने नहीं रखता है। बस मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ गया, उससे बड़ी चीज और कोई हो ही नहीं सकती। एक मिनट मॉम, मैं बताता हूँ ना बुआ, एक्चुअली क्या हुआ ना, पुलिस को उनका असली मुजरिम मिल गया। और कमाल की बात तो यह है कि आप जानते हैं कि असली गुनहगार कौन है। मैं? कौन है वो?
कौन? वही प्रीता। आई एम सो हैप्पी, यहां सबके सामने अपनी खुशी छुपा नहीं पाऊंगी। एक काम करती हूँ, किचन में जाके पुन्नू बेबी को कॉल करती हूँ। सुन लिया आप सपने? मैं तो पहले से कहती थी वो लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। उस लड़की की वजह से मेरा करण जेल गया और I just can't believe असली मुजरिम प्रीता है। वो तो उससे भी हॉरिबल निकली जितना मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। अच्छाई का मुखौटा लगा के हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी वो। उस लड़की ने हम सबको इतना दुख दिया, इतनी तकलीफें दी, खुशियां छीन ली हमारी। ऐसे गरीब घर की लड़की नहीं बुआ, उसने इस घर की खुशियां छीनी नहीं बल्कि इस घर की खुशियां लौटाई हैं। उसने जो हरकत की है ना बुआ, उस हरकत से वो बहुत ऊपर उठ गई। तुमने तो अभी भी कहा ना कि मुजरिम पकड़ा गया और वो प्रीता है। पुलिस स्टेशन चलकर आया, मैंने कहा कि उनको मुजरिम मिल गया, पकड़ा नहीं गया। प्रीता ने खुद पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। इनफैक्ट उसने फोर्स किया उनको कि पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लें सिर्फ मुझे बचाने के लिए। ऐसा उसने तुमसे कहा? नहीं बुआ, ऐसा उसने मुझसे बिल्कुल नहीं कहा। इनफैक्ट उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं जब जेल के बाहर था ना, तब उसकी आंखों से वो जो खुशी के आंसू छलके ना, मुझे सब कुछ पता चल गया। बस करो तुम दोनों। देख पुत्र, क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं जानना, बस तू सही सलामत घर वापस आ गए और इल्जाम तेरे सर से हट गया, ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, अगर तू पुलिस स्टेशन के आसपास भी दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुनो, अब प्रीता से मेल जोल मत रखना। दो दिन से हमने कैसे दिन गुजारे ना हम ही जानते हैं। इस घर में जरा शांति बनाए रखो प्लीज। I'm so happy. बेबी, तुम्हें तो यकीन भी नहीं होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की अपना दर्जे की बेवकूफ निकलेगी। इस तरह खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। और ये प्रीता को तो ये भी नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दी। एक बात बोलूं, ये ट्रैफिक की वजह से ना मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है। तुम बातों को गोल गोल घुमा कर ना मेरा दिमाग और मत खराब करो। अरे यार तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेबी, प्रीता ने क्या बेवकूफी की, जस्ट टेल मी क्लियरली। अरे उसने ड्रग्स पोजेशन का इल्जाम खुद पर ले लिया। व्हाट मतलब प्रीता ने पुलिस के सामने ये कबूल किया, ये कहा कि ड्रग्स उसके थे? Yes. अब तो प्रीता की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसने फैंटास्टिक। सॉरी पुन्नू बेबी। अगर तुम मेरे पास में होते ना, तो मैं अपनी हांकी से तुम्हारे आंसू पोंछ देती। क्योंकि तुम्हारा रिश्ता तो टूट गया ना प्रीता के साथ। So sad. जैकेट्स तो अच्छी भी नहीं है। मैं इनकी पसंद की जैकेट निकाल देती हूँ। मैं ना सही, इनके साथ मेरी चूज की भी जैकेट तो होगी। ये लीजिए। मैंने तुमसे जैकेट मंगवाई थी। मुझे लगा कि आपको पसंद है। मेरी पसंद सिर्फ प्रज्ञा जानती है, तुम नहीं। तुम तो तुक्के मारती हो।
और तुम्हारे हाथ से मैं पानी ना पीऊं, ये तो जैकेट है। I'm a rockstar, मुझे पता है मुझे क्या पहनना है। ये तो बहुत प्लेन लग रहा है, कुछ और ट्राई करता हूं। ये नहीं यार, ये जैकेट तो बहुत टाइट है, कुछ और ट्राई करता हूं। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, कॉन्सर्ट में कुछ ब्लैक पहनना चाहिए। वही अच्छी थी जो इसने निकाली थी, पर ये मेरी पसंद की निकालती कैसे है? हर बार तो तुक्का नहीं लग सकता, क्या करूं यार, अब इस धोखेबाज की निकाली जैकेट पहननी पड़ेगी क्या? मुझे सब पता है आप क्या सोच रहे हैं, पहननी तो आपको वही पड़ेगी जो मैंने निकाली थी। अभी जल्दी कर, लेट हो रहे हैं। हाँ बस दो मिनट में आ रहा हूं। क्या करूं क्या करूं, इसकी निकाली जैकेट पहनी ना तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। हाँ, ये तो मैगजीन पढ़ने में बिजी है, चुपचाप लेकर निकल जाता हूँ, इसे पता भी नहीं चलेगा। अभी क्या कर रहा है यार, जल्दी करना, लेट हो रहे हैं। अरे आ रहा हूं ना यार। मैं ना सही पर मेरा एहसास तो रहेगा आपके साथ। दादी? हाँ दादी, कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब? क्या हुआ अम्मा, ठीक है ना? दादी प्लीज जल्दी बताइए, मुझे टेंशन हो रही है। प्रज्ञा, वो प्रीता है ना, वो जेल में है। क्या? अब बेटा, लोगों तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। सर लगा तो रो रो के बुरा हाल है। उसने तो मुझे खास मना किया था कि मैं तुझे ना बताऊं। पर मुझे उसकी हालत देखी नहीं जाती बेटा। मैंने तुझे फोन कर दिया, अब तू ही कुछ कर बेटा। हाँ हाँ दादी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। अभी प्रीता की बड़ी बहन जिंदा है, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे जेल से भी निकालूंगी और उसे बचा के घर लेकर आऊंगी। आ रही। क्या कर रही हो तुम? मुन्नी हो ना इस घर में, फिर प्रज्ञा बनकर उस घर में कैसे जा सकती हो? लेकिन वो प्रीता जेल में, माँ बहुत परेशान है, वो प्रीता को मेरी जरूरत है, माँ को मेरी जरूरत है। जरूरत तो इस बात की भी है ना कि तुम हर वक्त मुन्नी ही बनी रहो। लेकिन मैं ऐसे, देखो अगर तुम इस वक्त अपनी माँ के पास प्रज्ञा बनकर चली गई तो हो सकता है सब कुछ पता चल जाए। अभी के दुश्मनों को ये पता चल जाए कि तुम सिर्फ मुन्नी बनने की एक्टिंग कर रहे, वाकई तो तुम प्रज्ञा हो, फिर क्या करूं? नहीं, इस मुन्नी और प्रज्ञा का मुझे नहीं पता इस वक्त क्या करना, लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ को मेरी जरूरत है और प्रीता को बचाना अभी बहुत जरूरी है। इनके पास तो पूरब है, माँ के पास कोई नहीं, प्रीता वहां जेल में अकेली, मुझे वहां होना चाहिए और मैं वहां जा। प्रीता किसी काम से बाहर गई है, तू है तो मुझे लगा कि प्रीता ही आई है, काम में भूल जाती है कि
टाइम से घर आना चाहिए ना, कितनी रातों की, बिल्कुल तेरे जैसी। काम में तू भी कहाँ याद रखती थी कि फोन करना है। अभी सोच भी नहीं रही कि माँ इंतजार कर रही होगी इतनी रातों की, लेकिन मुझे पता है प्रीता कहाँ है। तुझे पता है बेटा। बच्ची को कितने दिन बातें कर रही हूँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो प्रीता इतनी बड़ी परेशानी। मैं तुझे सच में परेशान नहीं करना चाहती थी प्रज्ञा। मैं जानती हूँ मेरा उसमें कितनी परेशानी है। वो आ लिया, वो तनु, तू कैसे उन सबसे? आप मेरी टेंशन ली थी, वो परेशानी आपकी परेशानी, लेकिन प्रीता मेरी परेशानी। प्रीता तो मेरी छोटी बहन है ना, और आपने कहा था ना मुझसे कि हर रिश्ता निभाना चाहिए। मैंने सीखा आपसे, हर रिश्ता निभाना सीखा है माँ। और जब आपको इतना भरोसा है कि मैं एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी होने की जिम्मेदारी निभा सकती हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं एक बड़ी बड़ी बहन की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती? कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आपको अब भी लगता है कि बुलबुल मेरी होगी? नहीं लगता मुझे, तू मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, मेरी सबसे अच्छी बच्ची। बचाने प्रीता को, प्रीता लेकर आ जाओ उसे। प्रज्ञा उसने कुछ भी गलती नहीं करी है, वो सिर्फ बेवकूफी करी है। वो जेल में इसीलिए बैठे क्योंकि वो करण अंदर था ना, और वो बहुत अच्छा दोस्त है। वो अपने दोस्त का साथ देना चाहती थी, उसे बचाना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और जेल में चली। उसने कोई भी गलती नहीं करी है। मुझे लगता है मैंने गलत परवरिश दी है अपने बच्चियों को। मैंने ही परवरिश दी है, तभी तो मेरी बच्चियां दूसरों की मदद करने के कारण अपने आप को मुसीबत में डाल देती है। मेरी परवरिश। आप क्या बोल रहे हो माँ? या आपकी तो परवरिश है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, जो हमें बोलती है कि हमें दूसरों की मुसीबत में उनका साथ देना चाहिए। और मुसीबतों के सामने हम हार जाएंगे क्या? प्रज्ञा प्रीता आपकी बेटी है, सल्ला अरोड़ा की बेटी है। आपने हमें इतनी हिम्मत दी है ना कि हम हर मुसीबत को हरा के आएंगे। आप देखना, हम दोनों हरा देंगे मुसीबत को। होगा नहीं रोगे मैं, नहीं रोगे। और फिर मैं तेरी छोटी बहन पहाड़ की तरह लंबी हो गई है, पर है एकदम बच्ची। अब इसका रोना तू ही चुप करा सकती है। चर के
ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ? आप ठीक हो ना? नहीं बेस, अब आप आ गए हो ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझे मेरी प्रीता दी वापस लौटा दो। नहीं नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं। अब प्रज्ञा दी आ गई ना, तो अब प्रज्ञा दी जाएंगी तो प्रीता दी के साथ ही वापस आएंगे, है ना? बस रोना नहीं, चुटकी मेरी। अरे यार कैसी दोस्त हो तुम, मेरे ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं तुम्हें। ओ मैडम, अब उनका नाम ना करण लूथरा, करण लूथरा मैडम। और मैं ना पैदाइशी मुकद्दर का सिकंदर हूँ, किसी मुसीबत से बाहर निकलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझी तुम? मैं बहुत खुश हूँ वो जेल से बाहर चला गया है, आजाद हो गया, और उसके ऊपर लगा हर झूठा इल्जाम हट गया है। बहुत खुश हूँ मैं। गॉड प्रीता, तुम्हें इस तरीके से पिंजरे में, आई मीन टू से जेल में देखकर बहुत बुरा लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो शाली? ये लो, मैं यहाँ तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें कंसर्न दिखा रही हूँ, और तुम हो कि तुमसे इतनी रूठी बात कर रही हो। कम से कम बात तो कर रही हूँ, तुम तो उसके भी लायक नहीं हो। तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। तो ऋषभ जी के साथ तुम्हें कितनी बार कहूँ, किसी और के सामने जाकर ये नौटंकी क्या करो, और साथ में अपने झूठे सबूत भी ले जाना, क्योंकि यही सब काम करने में तुम एक्सपर्ट हो। ओके फाइन, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं तो यहाँ पे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई थी। अब तुम विश्वास नहीं करोगी प्रीता, लेकिन मैं बिल्कुल तुम्हारी जैसी हूँ, अच्छी सीधी सादी। लेकिन तुम्हें पता है मैं बहुत डर गई थी जब मुझे पता चला कि तुम जेल में हो। मुझे लगा मेरी शादी में मेरी मदद कौन करेगा, क्योंकि तुम जैसे मिडिल क्लास लोग ही तो ऐसे वक्त काम आते हो। एक्चुअली तुम मेरी मदद कर चुकी हो, मदद नहीं, मेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर चुकी हो। देखो, अगर करण जेल में होता तो ऋषभ तो सारे फंक्शन कैंसिल कर देता ना, क्योंकि उसका रियल भाई जेल में था। लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा, सो थैंक यू। और हाँ, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन गलती तुम्हारी थी। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना स्मार्ट बनने की? तुम जैसे स्मार्ट लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम जैसे लोगों को तो मैं अपनी जूती पे रखती हूँ। अगर तुम उसे टकराती नहीं ना, तो आज ये हालत में नहीं होती। तो कैसा लगा तुम्हें नहले पे रहना? ये वही शोलिन है जो आजकल हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी फिर रही है। पर इसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ, और प्रीता दी ने इसको और इसके बॉयफ्रेंड को हक करते हुए देख लिया। बस प्रीता दी ने ना इसके बॉयफ्रेंड का चेहरा नहीं देखा, पर इसलिए तो दी चाहती थी कि इसके और ऋषभ जी की शादी टूट जाए। इसी का पर्दाफाश करने के लिए ना दी ने करण सर को क्लब में बुलाया था, लेकिन फिर वहाँ पे पूरा ड्रग का झमेला हो गया। एक नंबर की चालाक लोमड़ी है ये, झूठे सबूत दिखा के दी को गलत साबित कर दिया। I so hate her. और हाँ, ये जो तुम्हारा 7 साल लंबा स्टे है ना, उसे एंजॉय करना। तुम्हारे हर बर्थडे पे मैं तुम्हें फ्लावर जरूर भेजूंगी, ठीक है? बाय। फायदा नहीं,
तुमने मुझे बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया यू फूल। अगर अब तुम मुझसे माफी मैं तुमसे मांग भी नहीं रही, क्योंकि गलती से नहीं जान बूझ के गिरा है। कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि हम तुम जैसे इंसान को कहाँ रखना पसंद करते। चोट नहीं लगी ना तुम्हें, लेकिन दर्द जरूर होगा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देने मैं आ गई। Let me introduce you to my बड़ी बहना प्रज्ञा दी। रुको, तुम अपनी जिंदगी में क्या गंदगी फैला रही हो, कहां सही कर रही हो, कहां गलत, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये मेरी छोटी बहन है, इनकी खुशियों की तरफ तुमने आंख उठा करके देखा ना, तो याद रखना मैं खड़ी हूं तुम्हारे नहले को दहला देने के लिए। मैं जो करना है ना करूं, आई डोंट केयर। हाँ बोलो। क्या हुआ बेबी, ऑल ओके? तुम ठीक तो हो ना? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? अरे वो प्रज्ञा, प्रीता की बहन, उसने मुझे गिरा दिया। लेकिन ये प्रज्ञा तुम्हें मिली कहाँ? पुलिस स्टेशन में। मैंने सोचा प्रीता जेल में, तू उसे वहां जाके दो खरी खोटी सुनाओ, बहुत मजा आएगा। लेकिन मुझे वहां पे उसकी स्टूपिड बहन प्रज्ञा मिल गई, उसने मुझे गिरा दिया। तुम्हें पता फिर क्या कहा? कि तुम तो पहले से गिरी भी हो। हाउ इंसल्टिंग इज दैट? उसकी इतनी हिम्मत, तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं उसे? एक्चुअली उसकी बहन प्रज्ञा कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। आई मीन टू से ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे उसे थोड़ा सा डर लगने लग गया। आई एम रियली स्केयर्ड। देखो बेबी, अगर तुम ऐसा लग रहा है ना, तो तुम एक काम करो, तुम ऐसे लोगों से दूरी रहो। ऐसे लोगों को ना तुम्हारा पृथ्वी देख लेगा। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। शैंपेन जो पीनी है, सेलिब्रेट जो करना है, बेबी अब ये ना सेलिब्रेशन का सिलसिला चलता रहेगा। ओके बाय, आई विल सी यू सून। बाय, लव यू। प्रज्ञा अरोरा, शायद तुझे पता नहीं है कि पृथ्वी की शर्लिन को हर्ट करने का नतीजा क्या होता है। जो भी हमारे रास्ते में आता है ना, पृथ्वी के निशाने पर आ जाता है। तूने मेरी शर्लिन बेबी के साथ बहुत गलत किया। नाउ यू वेट एंड वॉच। प्रीता जी, प्रीता जी, आपको पता है आपसे मिलने कौन आया है? तेरे साथ भी कोई आया? कौन? एक मिनट। मत कर, क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब? अरे यार, माँ का अचल और बड़ी बहन का पल्लू सेम ही तो होता है ना। बचपन में इसी से हम आंसू पोंछा। देखा प्रज्ञा दी कैसे मुझसे सवाल पे सवाल किए जाती है, ये हमेशा मुझ पर ढोस जमाती रहती है, दादागिरी दिखाती है, खुद एक्सपेक्ट करती है कि मैं इनसे छोटी से छोटी बात आके बताऊँ, और खुद ने इतना बड़ा कांड कर लिया लेकिन मुझे बताया तक नहीं।
झूठा कन्फेशन देके जेल में चली गई है। अरे यार कभी मुझसे डिस्कस कर लेते यार, मैं आपको सलाह मशवरा देती, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? लेकिन नहीं, कुर्बानी दे दी इन्होंने। कुछ भी बोलती है, ऐसी क्या बातें मनवा ली मैंने तुझसे जो इतनी शिकायत कर रही है। अच्छा तुम लोग प्लीज बंद करो यार। एक तो मैं पहली इतने दिनों बाद पिता से मिल रही हूँ और वो भी इस तरह इस जेल में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हो रहूं, गुस्सा करूं तो किस पे करूं, और तुम लोग झगड़ रहे हो। ये सब का वक्त नहीं है बच्चे अभी। प्रताप पहले तुम मुझे बताओ कि सच क्या सच। हाँ बच्चे, तुम्हें मुझे सच बताना पड़ेगा ना, तभी मैं तुम्हें जेल से निकल पाऊंगी। अगर मैं छूट गई तो करण को फिर से जेल में डाल देंगे। क्या करूं, मैं दी से सच नहीं कह सकती। अब बोलो, अब क्या दी? बड़ी शर्म की बात है दी, मुझे से पैसों के चक्कर में ड्रग्स, मैंने वो घबरा गई थी इसलिए करण की पॉकेट में। क्यों वही झूठी कहानी सुना रही है जो तुमने पुलिस से कही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, एक माँ की बेटी आया हूँ, और ये जो तुम्हारी कुर्बानी देने की बीमारी है ना, ये मुझे भी है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे जज्बात समझती हूँ। लेकिन प्रीता अभी यहाँ कोई और नहीं, वही प्रज्ञा भी है ना प्रीता। अरे मैं सब संभाल लूंगी, कुछ नहीं होगा करण को। तुम मुझे बताओ, तुम और करण इस सारे ड्रग्स के झमेले में फंसे कैसे? प्रज्ञा वो शैलेन है ना, वो ऋषभ जी को धोखा दे रही। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज में कुछ तो मिला होगा ना? नहीं, हमने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि लाइट नहीं थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। लाइट नहीं थी, उससे क्या होता है? सीसीटीवी है उसमें, वो होता है ना, वो नाइट विजन कुछ होता है। सीसीटीवी तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए, क्लब है ना, सिक्योरिटी रीजन से। कोई गड़बड़ है प्रीता, बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे जाकर चेक करना होगा। ठीक हो रहा है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की प्रज्ञा। अकेले कोशिश की थी ना, अब तुम्हारी प्रज्ञा दी कोशिश करेंगी। मैं जाती हूँ, मैं सब पता करती हूँ। तो यही रुका प्रीता दी के साथ, मैं आती हूँ। नहीं लेकिन अब तुम्हारी बड़ी बहन आ गई, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, कुछ गलत नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारे साथ। ख्याल रखना दीगा प्रज्ञा दी। लेकिन वो आपको पता है मैं कितना लकी फील करती हूँ कि आप दोनों मेरी बड़ी बहन हो। I love you too. सृष्टि माँ घर पे ही है, अच्छे ही होंगे। मैं जानती हूँ कि माँ इस वक्त बहुत परेशान हो रही होंगी। सृष्टि तुम यहाँ क्यों आई? तुझे माँ के पास ही होना चाहिए। अरे लेकिन घर पे तो सब लोग हैं, जानकी आंटी है, दादू है, सभी। तेरा उनके पास होना बहुत जरूरी है, तेरी बात अलग है। तू जा, मैंने यहाँ से कहा जाना, मैं तो यही हूँ। तू माँ के पास जा, मेरी बात सुन, उन्हें तेरी जरूरत है। मुझे नहीं जाना, मुझे यही रहना। बच्चे वाली हरकतें मत कर, मेरी बात सुन, माँ के पास जा। ठीक ओके, अपना ख्याल रखिए। समय के बाद प्रज्ञा दी से मिली और ऐसी हालत में अभी चीजों क्या सोचेंगे ना, कि एक बहन ने दूसरी बहन को कितना परेशान कर दिया। अभी किसे फोन कर रहा है? मिस्टर बत्रा को तो मैं पहले ही फोन कर चुका हूं। मैं जानता हूं। हेलो ऋषभ। हाय अभी। मैंने कहा था ना तुझसे कि करण छूट जाएगा, मैंने अभी न्यूज में देखा है। थैंक यू सो मच अभी, दैट रियली रियली मींस अ लॉट। बाय द वे आज आपको कैसे मौका मिल गया न्यूज देखने का? मेरे भाई आजकल न्यूज फोन पर भी आ जाती है, और मेरे दोस्त ऋषभ के जान की न्यूज यानी कि उसके भाई की न्यूज वो तो मुझे देखना ही था ना। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू टू से दैट अभी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉन्सर्ट। ऑल द वेरी बेस्ट मतलब? ये क्या हवा में बात कर रहा है? तुझे याद है ना तूने मुझसे कहा था कि अगर करण छूट जाएगा तुम दोनों आओगे।
और वैसे मैं तुम दोनों को स्टेज पर भी बुलाने वाला हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी, एक्चुअली मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि मुझे इसके बारे में करण से बात करनी। मैं अभी बात करता हूँ उससे। एक्सक्यूज मी मिस्टर ऋषभ, पूरब दिसाई। मिस्टर ऋषभ, आप ही ने तो स्पॉन्सर से प्रॉमिस किया था कि करण वहाँ कॉन्सर्ट पे मौजूद रहेगा। अब उसे किस तरह लाना है ये आपकी प्रॉब्लम। पूरब, आई नो दैट। देख ऋषभ, तू टेंशन मत ले, तू करण से बात कर ले। एंड आई वांट टू सी बोथ यू गाइस देयर। ये इस साल का मेरा सबसे बड़ा कॉन्सर्ट है। ट्राई एंड मेक इट। अभी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि करण वहां जरूर पहुंचे। क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ हो गया ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अरे ऋषभ, बुरा वक्त निकल चुका है, अब जो होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच एंड इट विल बी अ प्लेजर टू शेयर अ स्टेज विद यू। आई एम लुकिंग अराउंड। बाय, चीयर्स, सी यू देयर। लेट्स गो रॉक एंड रोल बेबी। एक्सक्यूज मी, हाय, इस क्लब का सीसीटीवी रूम कहाँ है? उस तरफ पड़ेगा। किधर? दैट साइड। दैट साइड? थैंक यू। पता नहीं यार, सुबह भी एक बंदा आया था सीसीटीवी रूम के बारे में पूछ रहा था, अभी भी मैडम पूछ रही है, यार चल क्या रहा है? कोई और आया था सीसीटीवी फुटेज देखने? कौन हो सकता है? इन लोगों से पूछती हूँ। ये तो निकल गया और यहाँ कोई और नहीं है जिससे पूछ सकूं। लेकिन आज ही के दिन किसी और को इंटरेस्ट होगा सीसीटीवी रूम में? It's too much of a coincidence. मेरे अलावा सिर्फ एक ही इंसान है जो जानता है कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ और वो काश मैंने उससे इस तरह बात नहीं की होती। मैंने तो उसे और सावधान कर दिया कि मैं कुछ ना कुछ करने वाली हूँ। वो खुद अलर्ट हो गई होगी, लेकिन कहीं उसने किसी ऐसे को तो अलर्ट नहीं कर दिया जो इस ड्रग्स के मामले में उलझा हुआ है? तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भगवान करे ऐसा हो कि ये मेरे लिए सुनहरा मौका हो और असली मुजरिम मेरे हाथ में आ जाए। सर देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अच्छा, तू मुझे बेवकूफ समझता है, तुझे जाने दूँ? हाँ, मैं जानता हूँ तू कितना बड़ा चीटर, तू कितना बड़ा धोखेबाज है। तूने ये सब कमीना एक नंबर का। बोल जल्दी क्यों किया सर तूने, बोल जल्दी। क्या कर रहे हैं आप? आप क्यों मार रहे हैं इसे? छोड़ दीजिए उसे। और आप? प्रज्ञा दी। प्रज्ञा दी? करण लूथरा, क्रिकेटर। पूछ रही है, बता रही है। पूछूंगी क्यों? मुझे तो पता है ना, और बताऊंगी क्यों? आपको भी पता होगा, हम मिले थे। मिले थे ना एक बार, मिले थे। आप ये क्या नाम क्या है इसका? सुभाष। प्लीज आप छोड़ दीजिए। अरे आप जानती नहीं कितना बड़ा कमीना है ये। अरे मैंने कहा ना छोड़ दो। देखिए, आपने उसे कुछ भी किया ना तो आप दोबारा जेल जा सकते हैं। और आप क्या करेंगे? क्या उसका पांव तोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, मुंह तोड़ेंगे? कुछ बोलेगा नहीं तो आपका फायदा क्या होगा? इस वक्त मुसीबत को दावत ना देने में ही समझदारी। एक मिनट, मेरी फैमिली ने भी मुझे यही कहा कि प्रीता से दूर रहो। आप लोग क्या चाहते, मैं प्रीता से दूर रहूं? हां, उसकी हेल्प नहीं करूं? अरे उसकी वजह से आज मैं जेल से बाहर हूं, उसने मुझे जेल से बाहर निकाला है। आप लोग समझते क्यों नहीं यार, मुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं है। इस वक्त मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रीता को इस मुसीबत से बाहर निकालूं, जेल से बाहर निकालूं। अगर इस मामले में वो डफर है ना तो मैं डबल डफर हूं। अरे ये तो भाग गया। अरे पकड़ो उसे। उठ। कहां भाग रहा था? मत कर।
अबे और जाए, कोई बात नहीं करन, हम इसे लेकर चलते और कोई प्लान बनाते, चलो। ओके, अब क्या करें प्रज्ञा दी? यार आई मीन इतना सब कुछ किया लेकिन अभी क्या? इन सबको किसने बुलाया? अमित नमस्ते प्रज्ञा। नमस्ते। आप लोग ना बिल्कुल सही वक्त से आ गए, थैंक यू सो मच। आप लोग बैठिए ना, कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगी क्या करना होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। आप इन सबको जानते हो? मेरी फ्रेंड्स हैं। प्रज्ञा दी, आप ना कुछ भूल रहे हो, यहाँ क्यों आए थे? ये बंदर नॉकआउट हो गया, अब आपने खाली क्लब देखा तो आप यहाँ किटी पार्टी करोगे? ऐसे ना पीता भी मुझे स्टूपिड बोलती है। क्योंकि वो स्मार्ट है। स्मार्ट है, डंबो, एक नंबर की डंबो डफा। बर्दाश्त कैसे करती है वो, तुम्हें मुझे समझ में नहीं आ। करेगी ना, फैन है मेरी, आई मीन फ्रेंड है मेरी, थोड़ी सी करेली टाइप है लेकिन उसी में इतना चलता है। कितना बोलते हो तुम, चुप रहो। ये सभी बहनें एक जैसी हैं, जब देखो हिटलर बन जाती है। हाथ नीचे करो, सवाल पूछा था ना उसका जवाब दे। ये सारी लेडीज एनजीओ में काम करती हैं, औरतों के हक के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लड़ती हैं। कूल, इसका मतलब ये सब इसकी दुराई करेंगे अभी? बट दिस इज नॉट फेयर, बेचारा बेहोश है अभी। लेकिन तुम तो होश में हो ना, तो होश वाली बातें किया करो। मैं कुछ बोल रही हूँ तो पूरी बात सुनो, उसके बाद कुछ बोलो। ओके, देखो रीता मेरी बहन है और तुम उसके दोस्त, अगर मैं तुम दोनों को सच्चा साबित करने की कोशिश करूंगी ना, लोग मुझे झूठा कहेंगे। लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं जानते, अगर ये तुम्हारी सच्चाई का साथ देंगे तुम्हारी सच्चाई साबित करने में ज्यादा आसानी होगी। और मेरी बात मानो, इनके इरादों में मजबूती है और इनकी आवाज में दम। मेरे बहुत बुरे वक्त पे इन्होंने साथ दिया, जब मैं एक हारी हुई बाजी जीत गई थी, ये लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे हाँ करण, तुम एक बार जाकर सुभाष को चेक करो। अरे लेकिन वो तो बेहोश है। मैं बोल रही हूँ ना, चेक करो, जाओ। ओके। अरे इसको क्यों बुलाया, इसकी तो अच्छी खासी दुराई की थी मैंने और ऋषभ ने। मुझे पता है, सोचो जो तुम्हारे अगेंस्ट है अगर वो तुम्हारा साथ देगा मतलब उसे तो सब सच्चा मानेंगे ना। ऐसे प्लान दे, जाओ उसको चेक करो। आप प्रीता से बिल्कुल डिफरेंट हो। मैडम हम रेडी हैं। वो वहीं बैठे हैं सबको, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। रमेश रेडी? चलो। नमस्कार, आज हम अपने दर्शकों को देश की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आज हम बात करेंगे रॉक स्टार अभी मेहरा की पत्नी प्रज्ञा से, जो कि हमारे साथ हैं और अपने बहन के बेगुनाही की लड़ाई लड़ रही हैं। आइए हम बात करते हैं प्रज्ञा जी से। थैंक यू, वो मैं आप लोग हेलो मैं अभी आती हूँ। आप प्लीज अपने माइक्स यहाँ रख देंगे तो मैं आपको पूरी बात बता सकूंगी। करण, मैंने तो एक ही मीडिया वाले को बुलाया था, पता नहीं और लोग आ गए। वो मेरा कमाल है एक्चुअली, मैंने सोचा एक से बोले दो, दो से बोले चार, तो सबको बुला लिया। जितने ज्यादा मीडिया वाले होंगे उतना ज्यादा टेलीकास्ट होगा, उतनी जल्दी सबकी सच्चाई सामने आएगी। करेक्ट, प्रीता के साथ रह के ना तुम भी स्मार्ट हो गए हो। I'm sorry, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ आए मेरी बात सुनने के लिए। मैं आप लोगों से अपनी बहन प्रीता के बारे में बात करना चाहती हूँ। मम्मा, मामी जी, ऋषभ भैया, नानी जी, जल्दी आइए, जल्दी। क्या हुआ? टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ है, लाइव। क्या? देखिए, जो कि बिल्कुल निर्दोष है, और वो निर्दोष ही थी, और मैं आज यहाँ उसी की निर्दोषी साबित करने आई हूँ। अरे ये तो अभी की वाइफ है ना? मम्मी जी, ये तो प्रज्ञा है, प्रीता की बड़ी बहन। क्या देख रहे हो आप लोग? मम्मा टीवी देखिए। क्या हुआ? और जिस तरह प्रीता की पूरी सच्चाई आप लोग नहीं जानते, एक और इंसान है जिसकी सच्चाई आपको नहीं पता। कौन है वो? वो
ग्रैंड लूथरा। मैम आप ये जो कुछ कह रही हैं, उसका कोई सबूत है आपके पास? हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। ये हमारा करण यहाँ क्या कर रहे हैं? कृतिका जरा आवाज वॉल्यूम बढ़ा। हाँ, मैं जानती हूँ कि करण लूथरा भी बहुत अच्छे इंसान है, कि मेरी प्रीता हमेशा सच का साथ देती, किसी गुनहगार का साथ कभी नहीं दे सकती। हम प्रीता के साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि एक अबला आवाज उठा नहीं सकती। हमारे देश में औरतों पे आरोप लगाने की आदत सी हो गई है, लेकिन हम भी एक निर्दोष नारी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अरे प्रीता ने पुलिस को सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात पे यकीन ही नहीं किया। लेकिन आज हम पूरे देश के सामने डंके की चोट पर ये दिखाएंगे कि सच्चाई को सजा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। प्रीता ने अपने एम्प्लॉयर के बेटे को बचाया है, जो उसका अच्छा दोस्त भी है। शर्लिन बेबी, तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे कहाँ रह गई थी तुम यार, कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। चैंपियन बना रही थी क्या? गॉड, क्या प्रॉब्लम है? जब देखो तब फोन करके पूछती रहती क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परेशान कर दिया बुढ़िया ने। एक बार मेरी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद जिए या मरे आई वोंट केयर। करीना आंटी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी आपके बारे में सोच रही थी, आप 100 साल जिएंगे। अभी के अभी टीवी ऑन करो। लेकिन क्या हुआ? प्रीता को जेल हो गई थी, मैं बहुत खुश थी, पर अब ये नारी मोर्चा वाले बहुत बड़ा हंगामा मचा रखा है उन्होंने मीडिया में, सारे न्यूज चैनल्स पे छाए हुए हैं। अचानक से कौन आ गया उसे बचाने के लिए? आई मीन कैसे? उसकी बड़ी बहन आ गई है प्रज्ञा। बैठो बैठ। ये सुभाष यहाँ के सीसीटीवी रूम का इंचार्ज, ये उस पार्टी में मौजूद था। बेबी ये आदमी तो सुभाष है, ये तो मेरा आदमी है बेबी, सुभाष। अरे कहाँ जा रहा, बैठ यहाँ। आप लोग पूछिए इससे कि पुलिस ने एक बार भी इससे सीसीटीवी की फुटेज मांगी? बोल। पुलिस की लापरवाही है। मैं बताता हूँ, मेरी जेब से ड्रग्स के पैकेट मिले, पुलिस ने मुझे ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, लेकिन प्रीता ने उनके सामने कन्फेस किया, तब तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था ना, एक बार सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए थी, राइट? I knew this. मिस्टर करण लूथरा, हमने छानबीन की थी, सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है, क्योंकि उस दिन लाइट चली गई थी। कितना आसान बहाना है ना, कि लाइट चली गई। पूरे क्लब में लाइट थी, जहाँ पार्टी चल रही थी वहाँ लाइट थी, पूरे एरिया में लाइट थी, लेकिन जहाँ पे ये ड्रग्स की अदली बदली हो रही थी सिर्फ वहाँ पे लाइट नहीं थी, और वहीं का सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मैं बता रही हूँ, ये जरूर उन क्रिमिनल से मिला हुआ है। हम इस आदमी की बेईमानी और पुलिस की लापरवाही की सजा प्रीता को नहीं होने देंगे, और हम पुलिस से मांग करेंगे कि इस केस की वापस से तफ्तीश की जाए और इस सुभाष को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दहशत, ये मेरा आदमी तो पकड़ा गया, अब हम क्या करेंगे? क्या होगा हमारा पुल्लू, कुछ सोचो, हमारा तो पूरा खेल खत्म। पता है रेड, भरोसा तो हम सबको था कि करण छूट जाए, लेकिन प्रीता ने जो किया है ना, वो हम में से किसी ने नहीं किया। उसने सिर्फ करण को आजाद नहीं करवाया, उसने लूथरा परिवार की इज्जत लौटाई। आई एम प्राउड ऑफ हर। करीना दी, अब तो प्रीता के लिए अच्छा सोचा कीजिए। देखिए कैसे प्रज्ञा अपनी बहन प्रीता के लिए कितना कुछ कर रही है, और दूसरी तरफ हम लोग अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाए। अफसोस है मुझे। तो पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर, यही है वो गुनेगार, गिरफ्तार कीजिए उसे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है सुभाष, जिसकी मिलीभगत है क्रिमिनल्स के साथ। आप इससे पूछताछ करेंगे ना, तो आप क्रिमिनल्स तक पहुंच सकते हैं। हाँ ये सच है, इस बार हमसे गलती हुई है, पर हम अपनी गलती जरूर सुधारेंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, इतनी बड़ी गलती? आप एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर हैं, और इतना बड़ा गुनाह आपने छोड़ कैसे दिया? मुझे एक बात बताओ, ये लेडी इंस्पेक्टर किसी जेंट्स को गिरफ्तार कर सकती है? I mean, according to laws. तुम्हें अभी जनरल नॉलेज बढ़ानी, तुम बस ये समझो कि वो असली पुलिस नहीं, नकली पुलिस है। वो भी मेरी फ्रेंड है। बस
क्या है ना, ये नकली वर्दी पहन के वो बहुत बड़ा रिस्क उठा रही है सिर्फ हमारी मदद करने के लिए। लेकिन ये वर्दी ना बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देती है। सुभाष को ना बस इस वर्दी का झटका देना, आगे तुम तमाशा देते तो हम सच्ची में पकड़े जाएंगे। ये आदमी तो तुम्हारा नाम भी बता देगा। बेबी मुझे लगता है कि अब हमारा खेल खत्म, पकड़े जाएंगे। ये एक काम करते हैं, हम ना इंडिया से बाहर भाग जाते हैं। बेबी उसी बेवकूफ सुभाष का फोन है। ना ना। स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ बोलो। हेलो। बहुत प्रेशर हो गया सर, मैं अब और हैंडल नहीं कर सकता। मुझे आपका पैसा भी नहीं चाहिए। जी आप किसी भी तरह झमेले से बाहर निकाल। मैं सच्ची बोल रहा हूँ सर, नहीं तो मैं पुलिस को कुछ बता दूंगा। तो वो लड़की तो बाहर निकल जाएगी। आप जेल के अंदर चले जाओ। तू पागल हो गया क्या? सुन मेरी बात ना, अपने भेजे में डाल दे। अगर तूने मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो तेरे भेजे में गोली घुसा दूंगा मैं, समझा तू? बहुत हो गया साहब, अब और धमकी नहीं सुनूंगा। मैं कन्फेस करने जा रहा हूँ। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनो। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ सोचता हूँ, आपको मैं वहां से बाहर निकालूंगा। आई प्रॉमिस। चलो सुभाष एक काम करो, तुम ना वहां पर कुछ भी बोल दो, कन्फेस कर दो कि बैकअप फुटेज तुम्हारे पास है। बैकअप कहाँ है सर, एक ही तो कॉपी थी जो मैंने आपको दे दी थी, और कोई फुटेज नहीं है। अरे यार मुझे पता, देखो मुझे पता है, तुम बस बोल दो कि तुम्हारे पास बैकअप फुटेज है, बाकी सब मैं संभालूंगा। ओके अब क्लियर है? मुझे बस 10 मिनट दे दो सोचने के लिए, मैं तुम्हें वहां से बाहर निकालूंगा। ओके उठ उठ, शक्ल दिखाने में बड़ी शर्म आ रही तुझे। हाँ चल आगे चल चल, शर्म बड़ी शर्म आ रही तुझे। हाँ बोल रखो क्या सच्चाई, बोलो ना मारूंगा बोल। ओके मैं कबूल करता हूँ कि वो सारी फुटेज मेरे घर पर रखी है। आप मुझे 10 मिनट का समय दो, मैं कॉल करके मंगवा देता हूँ। 10 मिनट कोई बात नहीं, फुटेज तुम्हारे घर पे है, हम सारे के सारे तुम्हारे घर चलेंगे और वहीं जाके फुटेज देखेंगे। नहीं नहीं मैंने बोला ना मैं दे दूंगा आपको। दे दूंगा क्या होता है मैम, आप आइए इसे इसे गिरफ्तार कीजिए और आप जैसे पूछताछ करनी है ना वैसे पूछताछ। चल ले जाइए। अरे यार तो क्या प्लान है तुम्हारा? ये प्लान ये है कि मैं वहां पर जाकर उन लोगों को असली फुटेज दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी तरह मेरे सिर पे भी बेवकूफ लिखा है क्या? ऑब्वियसली नॉट, मैं उन्हें असली फुटेज नहीं, उस फुटेज में कुछ चेंजेस करके उसे एडिट करके वो फुटेज उन्हें दूंगा। कैसे? बेबी वो ऐसे कि उस फुटेज में मैं अपनी जगह एक ऐसे इंसान की इमेज डालूंगा जो ऑलरेडी मर चुका है। करण की जेब में जिस इंसान ने ड्रग्स डाले, यानी कि उस एडिटेड फुटेज के हिसाब से वो इंसान पुलिस को कभी मिलेगा ही नहीं। गेट इट? इस तरह मैं सबकी नजरों में हीरो बन जाऊंगा। बेबी करण तो ऑलरेडी बाहर है ही, इस फुटेज की वजह से प्रीता भी बाहर हो जाएगी और फिर सारा मामला सॉल्व हो जाएगा और हम पर किसी की नजरें भी नहीं होगी। लेकिन क्या फायदा, हमने जहां से शुरू किया था वहीं आकर खड़े हो गए। इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है तुम्हारा और मेरा बचना। बीबी कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है, उस करण और प्रीता को तो हम कभी भी सजा दे सकते हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैंने जो भी ये प्लानिंग किया ना उसे फटाफट जाकर एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके अच्छा लिसन, ये जो तुमने वॉच और ये सब चीजें पहनी है इसे निकाल के कहीं फेंक देना, और हाँ ऐसी जगह पे फेंकना कि अगर किसी को मिले भी ना तो वो तुमसे कनेक्ट ना कर पाए। ठीक है? सुपर आइडिया बेबी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और बेबी तुम किसी चीज की टेंशन मत लेना, हाँ तुम्हारा पृथ्वी है ना सब कुछ सॉल्व कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। ये अपने घर लेके जाएगी इसे, मतलब नकली पुलिस है आपकी दोस्त है ना, तो घर लेके जाएगी क्या? आई मीन या तो शहर के बाहर किसी गोडाउन में रस्सी से बांधकर टॉर्चर करेगी, है ना? बहुत पिक्चरें देखते हो तो ऑलरेडी मैं परेशान हूँ और तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। अरे परेशान करना ही तो जाके सुभाष को परेशान करो ना, मुझे नहीं पता कहाँ लेके जाएगी। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि फुटेज उसके पास है भी या नहीं, अब तक तो किसी को बेच चुका होगा। मुझे भी लगता है क्या करें,
मेरे पास एक आइडिया है। क्या? पता नहीं, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। प्रज्ञा दी जिस तरह से गई है, मैं कहीं अपने आप को किसी मुसीबत में ना डाल ले। मुझे जाने ही नहीं देना चाहिए था, मैं क्या करूं? एक्सक्यूज मी मैम, सुनिए। क्या हुआ? एक फोन कर सकती हूँ क्या प्लीज? वो कहना मेरी सिस्टर आई थी मुझे बचाने के लिए, पता नहीं कुछ करने गई है। एक बार बस कॉल करके पूछना चाहती हूँ। ओह मैडम, आप है ना जेल में हो, गेस्ट या किसी फ्रेंड के घर पे नहीं आए हो? यहाँ पे ऐसा फैसिलिटी नहीं है, समझ में आया? बैठो चुपचाप। मेरी वजह से सब लोग कितने परेशान हो रहे। ये तो मुझे बोलना चाहिए प्रीता जी। ऋषभ जी, आप सो सॉरी, सब मेरी गलती है। ना ही मैं फोन करके करण को उसके में बुलाती और ना ही उसके बाद ये सब। और वो मैंने बहुत गलत किया, जो मेरे पास ड्रग्स का पैकेट था ना, मैं घबरा गई पुलिस को देखकर, तो मैंने वो पैकेट करण की पॉकेट में डाल दिया। उसकी वजह से करण को बहुत नुकसान हुआ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत बुरी हूँ। कुछ कहने के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं बचे प्रीता जी। मेरे परिवार की इज्जत के लिए आपने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आपको याद है आपने मुझे एक बात बोली थी कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जिंदगी में कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकता, और मुझे झूठ बोलना नहीं आता। कहा था ना आपने, आप बिल्कुल वैसी हैं, आप कभी झूठ मत बोलेगा। ये झूठ बोलना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं ना तब किसी से आंखें नहीं मिला पाते। करण घर पर आए थे ना, हम सब लोग बहुत खुश हो गए थे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया। फिर मुझे पता लगा कि आप गिरफ्तार हो गए हैं। पता है, ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए सब कुछ रुक गया है। मेरी सांसें तक रुक गई थी। आप इतनी अच्छी क्यों हैं प्रीता जी? क्यों करी आपने इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे परिवार के लिए? आपने जो मेरे परिवार के लिए किया है प्रीता जी, वो मेरे परिवार का कोई सदस्य तो छोड़िए इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। प्रीता जी, आपने तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। आई जस्ट लव। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपने जो हमारे लिए किया वो I don't have words। नहीं ऋषभ जी, मैंने तो जो कुछ भी किया करण के लिए किया। हाँ, आपको पता, जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ ना, करण अपनी पूरी मेहनत लगा देता है मुझे मुसीबत से निकालने के लिए। और आज उसके साथ इतना कुछ हो गया तो मैं कैसे पीछे हट जाती? और देखा जाए तो मेरी वजह से ही हुआ ना ऋषभ जी, मैंने उसे कॉल करके बुलाया और फंस गया। आपको पता, करण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे इस तरह देख ही नहीं सकती थी। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं आपसे कभी मिल पाए, सच में। ऋषभ जी, क्या आप एक कॉल कर सकते हो, या फिर आप कॉल करके वो अभी जीजू से पूछ सकते हैं कि प्रज्ञा दी ठीक है, मुझसे यहाँ मिलने आई थी,
कह रही थी कि मैं जाके वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकलवाऊंगी और मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं। अब एक मुझे बात, हाँ जी, क्लब में और वो टीवी पर लाइव है। उन्होंने क्लब में जाके पूरी मीडिया के सामने सीसीटीवी इंचार्ज का पर्दाफाश किया और उस सीसीटीवी इंचार्ज ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो फुटेज उसके पास है। बिल्कुल भी चिंता मत कर। लेकिन ठीक तो है ना? She's fine, करण है वहाँ पर, करण उनके साथ है। करण भी उनके साथ है? जी, आपको तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, करण उनका ख्याल रख रहा होगा। देख सुभाष, तू जानता है तू कितनी बड़ी मुसीबत में है। हाँ, नहीं जानता, मैं तुझे बताता हूँ। तुझे पकड़ने के लिए लेडी इंस्पेक्टर क्यों आई है? तुझ जैसे जेंट्स को पकड़ने के लिए लेडी इंस्पेक्टर क्यों आई है? मैं बताता हूँ, इस लेडी इंस्पेक्टर के घर पे ना ड्रग्स का लफड़ा हुआ था, पता उसकी वजह से इसने अपनी माँ और अपनी बहन को खो दिया। अब ये किसी को भी देखती ना ड्रग्स से रिलेटेड, यानी अगर वो ड्रग्स में डील करता हो या ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाए, पुलिस स्टेशन जाने के बहाने पता क्या करती है? खलास, एनकाउंटर कर देगी रास्ते में, पुलिस स्टेशन भी नहीं लेके जाएगी। अब सोच ले, मैं तो कह रहा हूँ कन्फेस कर ले, वरना मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। व्हाट? सुनिए, मैं अपना जुर्म कबूल करना चाहता हूँ। हाँ, मैं कबूल करता हूँ। क्या कहा जो इतनी जल्दी मान गया? आपको पता ना मेरा नाम क्या? करण लूथरा। डी करण लूथरा, ये सब ना मेरे बाएं हाथ का। तो लाइट नहीं गई थी, वो फुटेज मेरे पास है। कहाँ है वो फुटेज? यहाँ है। शुक्र है, अब ये मुझे बचा लेगा। ये रहा वो फुटेज। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ये फुटेज मेरे पास कहां से आया? जब इस कमीने ने टीवी पे कन्फेस किया कि फुटेज इसके पास है, तो मैंने किसी तरह इसके घर का एड्रेस निकाला और इमीडिएटली इसके घर जा पहुंचा। इस कमीने के बंदे इस फुटेज को डिलीट करते हैं, उससे पहले मैंने किसी तरह उन्हें डरा धमका कर ये फुटेज ले लिया उनसे। ये तो मुझे ही फंसा रहा है। इस फुटेज के हिसाब से इसकी जेब में ड्रग्स किसी और ने डाले थे। इसका ड्रग्स से कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। और इससे ये भी प्रूव होता है कि रीता ने इसे बचाने के लिए झूठ बोला। ये कमीना इतना बदल कैसे गया? आपने ये फुटेज देखी है? हाँ, मैंने ये फुटेज देखी है। एक्चुअली मैं बहुत क्यूरियस हो रहा था कि ऐसा इस फुटेज में है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि करण 100% इनोसेंट होगा, इसे फंसा गया होगा। आप ये पेन ड्राइव देख सकते हैं? या ऑफ कोर्स, थैंक यू। सो इनोसेंट फुटेज को ना सिर्फ देखा नहीं है, एडिट करके बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं उसमें मैंने। कुछ तो गड़बड़ है, ये चीटर हमारी हेल्प क्यों कर रहा है? इस सारी मुसीबत की जड़ ये कमीना सीसीटीवी वाला है, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। सुन बे, चुप रहना, समझा, मुंह मत खोलना अपना। अगर चुप रहेगा ना तो तेरे परिवार के पास खूब सारे पैसे बच जाएंगे, और अगर चुप नहीं रहा ना तो तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, तेरे हाथ सिर्फ हथकड़ियां होंगी, समझा? Shame on you, shame on this guy, तेरी वजह से मेरी प्रीता जेल में है, just because of you, stupid। मुझे लगता है हमें पहले जाकर ये पेनड्राइव पुलिस स्टेशन में दिखानी चाहिए। मैं इसको पास वाले पुलिस स्टेशन में छोड़ कर आता हूँ। चलो चलो। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, ये फुटेज ढूंढकर आपने सिर्फ प्रीता के ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार की मदद की।
थैंक यू वेरी मच. अरे इट्स कंप्लीटली ओके, घर की बात है. मैं ये पुलिस स्टेशन लेकर जाती हूँ. श्योर. इस बार जंग के मैदान में मुझे पीछे हटना पड़ा, वो भी तब जब मैं हर मोड़ पर चौके और छक्के मार रहा था. पर कोई बात नहीं, मेरी और शर्लिन बेबी की टीम ना बहुत स्ट्रांग है, तो तुम जैसे इमोशनल फूल्स और कच्ची दीवारों को एक झटके से गिरा देंगे हम. वेट एंड वॉच. अच्छा चल रहा था ना, काश ये स्मार्टी प्रज्ञा अपनी बहन को बचाने नहीं आई होती. लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरीके से ये तस्वीर को फाड़कर मैंने इन तीनों को अलग कर दिया ना, उसी तरीके से असली जिंदगी में भी मैं इन तीनों को अलग कर दूंगी. प्रज्ञा, जिस बहन के लिए तूने मुझे दर्द दिया है ना, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं. तुम लोग जानते नहीं मुझे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी. एक नाफिन की पूंछ पर पैर रखा है तूने, पतला तो मैं लेकर रहूंगी. अरे यार, दिस इज टू मच यार. ये मैप में तो दिखा रहा है, ये पुलिस चौकी से अपने घर तक इतनी ज्यादा कुछ खास ट्रैफिक भी नहीं है, फिर भी प्रज्ञा दी को वक्त लग रहा है. मुझे लगता है इंटरनेट गलत दिखा रहा होगा. दादू, इनको बोल दीजिए जिस बात के बारे में जानकारी ना हो ना, उस पर टांग नहीं अड़ाना चाहिए. और वैसे भी ये मैप एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है. इस मैप के हिसाब से तो अब तक तो आ जाना चाहिए था यार. ये क्या प्रीता? सॉरी माँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी गलती सुधार लूं, लेकिन फिर भी कमी रह गई. लेकिन जो कमी थी वो प्रज्ञा दी ने आकर पूरी कर दी. माँ, अब तो आप मुझे माफ कर देंगे. माफी मांगने की जरूरत नहीं है. माफी तो मुझे तुझसे मांगनी थी. तूने सिर्फ एक बेवकूफी की थी और मैंने तुझे कितनी बड़ी सजा दी थी. अरे मैंने तो तुझे कहा था ना कि जाके लूथरा से माफी मांग के तब मैं तुझे माफ करूंगी. लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी एक माफी के लिए तू अपने आप को जेल में डाल देगी. इतना बड़ा जुर्म अपने ऊपर ले ली. मुझे माफ करते, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. प्लीज आप ऐसे मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है. आपने तो बहुत अच्छा किया. पता है, आपने मुझे डांटा, गुस्सा किया, उसी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और मैंने कोशिश करी कि उसे सुधारूं. माँ, आपकी वजह से आज करण जेल से बाहर है. माँ, आपको नहीं पता, कोई माने या ना माने, लेकिन करण का फ्यूचर, उसका करियर अगर आज खतरे से बाहर है तो सिर्फ आपकी वजह से. और आप एक उदास देखकर प्रज्ञा दी ने हम सबकी हेल्प की. मां, सच कहूं, यहां जो कुछ भी अच्छा होता है ना, आप ही की वजह से होता है. आप तो हमारी खुशियों की बुनियाद है. आप हमारे साथ कभी कुछ गलत होने दे ही नहीं सकते.
और दादी आप माँ को रोने से मना मत करना, क्योंकि माँ तो रो नहीं रही, मैं रो रही ना, कभी नहीं रोती। और आज तो रोने वाली बात ही नहीं है ना, आज पिता सृष्टि और मैं पहली बार इस घर में एक साथ है ना, आज तो बस आपके हाथों की गर्मा गर्म कद्दूकश अदरक वाली चाय होनी चाहिए और एक एकदम टाइट वाली जादू की जप्पी होनी। ये जादू वाली जप्पी मैं सबसे पहले दूंगी और वो भी मेरे सुपर वुमन को। पिताजी को जेल से बाहर निकालने के लिए। आपको पता मैं पहले ना आपसे बहुत चिढ़ती थी, लेकिन लेकिन अब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सारा प्यार करती हूँ, इतना सारा प्यार करती हूँ कि समीर से भी ज्यादा। सबके सामने क्या बोल रहे हो यार? कुछ भी कुछ भी क्या है? ये समीर है कौन? अरे दीप कोई नहीं है, वो छोटा सा नाटा सा बटला सा खड़ूस है, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। समीर वो है जो इसे बहुत पसंद करता है और पता है उसी के मुताबिक ये अपना हेयर कलर भी डिसाइड करती है। और उसका फोन आ जाता है ना तो इसके लिए तो फेस्टिवल हो जाती है, त्योहार। अब तो आपकी खैर नहीं। ये दोनों बड़ी तो हो गई लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती है, देखा नहीं अभी? कभी कभी ना बुलबुल की बहुत याद आती है, समझ में नहीं आता क्या करूं। अब यहाँ आ जाऊंगी है ना, ये दोनों दोनों बुद्धू चली गई उधर, बुलबुल भी, ये दोनों आ गई तो आपको मैं लगा रहता हूँ। बड़ी खुश होगी आज, बारिश में आइसक्रीम खा रही होगी, मेरी दुनिया घूमी थी ना उसे, मेरी दुनिया घूमी, उड़ना था लेकिन मैं भूली नहीं हूँ उसे। तुझे क्या लगता है एक माँ के अगर चार बच्चे होते तो किसी दो के आ जाने से मैं तुम दोनों को भूल सकती हूँ क्या? तुम अपनी जगह प्रीता, अपनी जगह सृष्टि, अपनी जगह और बुलबुल, बुलबुल की जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने सुन रही है तू? पड़ोस की बेटी नहीं है। आ जाओ ओके भाई, मैं प्रॉमिस करो कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ओके ओके भाई, मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करूंगी, इससे भी मस्त मजाक करूंगी। दीप माँ आप रो रहे हैं? हाँ वो रंगा ने रुला दिया मुझे, कहने लगी कि तुम दोनों आ गए हो ना मेरी जिंदगी में तो अच्छा है, ये और बुलबुल नहीं है तो उसकी कमी पूरी हो जाती है। लेकिन मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता, सब बच्चे बराबर होते हैं और बुलबुल और रंगा की ना। और अब इस खुशी में बहन जी अपनी लड़कियों के लिए 10 पकवान बनवाएंगी। चल 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 मैं आती हूँ, चलती हूँ चटनी बनाती हूँ इसके लिए। अभी जीजू कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है आज उनका। वाओ कॉन्सर्ट! आपको पता है प्रज्ञा दी, जब हम पहली बार मुंबई आए थे ना तो अभी जीजू ने हमें गुंडों से भी बचाया और हमें लिफ्ट भी दी और इसी घर ले आए। वैसे एक बात बोलूं, आपकी और अभी जीजू की जो जोड़ी है ना वो एकदम कत्तल है कत्तल, मतलब वो सुपरमैन और आप सुपर वुमन। वैसे मुझे एक बात बताओ सुपर वुमन, आप रोज रात को से उड़ के किसे बचाने जाती हो? सृष्टि बड़ी है ना, जल्दी नहीं पागल। कैसी लग रही हूँ मैं?
अच्छी लग रही है। अरे चलो भाई, लेट हो रहा है, गाड़ी में बैठो। बबली कहाँ रह गई? बबली आ रही है, चलो गाड़ी में तो बैठो तब तक। अरे पर उसे आने दीजिए ना, उसके बिना गाड़ी में आप भी ना कभी कभी। दादी दासी, आज कमाल नहीं हो गया डाइनिंग टेबल पर? मेरा मतलब है कि हम सब लोगों ने तो नाश्ते से अपना पेट भरा, ब्रेकफास्ट से, और बेचारी मुन्नी उसे तो डांट से अपना पेट भरना पड़ा। हाँ बीजी, यह तो ये बिल्कुल सही रही है, ने आज तक अभी को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा है। बातों से मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों को सबसे मजा आया या फिर बुरा लगा। मजा क्यों आएगा, दुख हुआ है? आपको मेरे चेहरे से नहीं लग रहा कि मैं कितनी दुखी हूँ? अब कौन इंसान भला चाहेगा कि वो सुबह सुबह डांट से अपना पेट भरे, खाने से नहीं। हाँ दासी। मिताली, अगर तू दुखी है ना तो अपना अफसोस अपने अंदर रख, ये सबके सामने चबड़ चबड़ मत कर। चलो हम लोग बैठते हैं ना एक एक करके, तो ऐसे यहीं खड़े रहे। चलो आओ। बबली बेटा जल्दी आ। दीदी आप कब तक इतना सोचती रहेंगी? क्यों ना सोचू, कितनी उम्मीद होगी थी मुझे कि हो ना हो, यही है मेरी प्रज्ञा। पर अभी के गुस्से ने तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि खुशियां आती आती ही नजर लग जाती है। कितनी उम्मीद थी मुझे, पर अभी को सुन के सारी उम्मीद ही खत्म हो। दिशा, क्या पूरब ने तुम्हें कुछ बताया? कल रात ऐसा क्या हुआ अभी के रूम में जो आज अभी ने मुन्नी को इतनी बातें सुना दी? कैसे बताऊं, मैं खुद ही नहीं जानती कि दी ने ऐसा किया क्या है कि जीजू इतना गुस्सा हो गए, पर जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। क्या कहाँ खो गई बेटा, क्या पूरब ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं नहीं दासी, मुझे इन्होंने कुछ भी नहीं बताया और शायद इन्हें खुद ही कुछ पता नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को, अब इन बातों के बारे में अभी के सामने कोई बात ना करना। तो दीदी आप भी अपना मूड ठीक कीजिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, हमें अभी के कॉन्सर्ट में हंसते खेलते हुए जाना है। दादी दादी चले। हाँ हाँ बेटा। दिशा मैं रास्ते में से जूस ले लूंगी दीदी के लिए। आज की सेलिब्रेशन प्रज्ञा दी के नाम। आज की सेलिब्रेशन मेरी तीनों पोतियों के नाम। ओ दादू, नाम किसी का भी हो, आपको तो बस ये कफ सिरप पीने का बहाना चाहिए। नहीं बेटा जी, मैं कोई पीने पीने का बहाना नहीं ढूंढती। अरे मैं तो जीने के लिए पीती हूँ, खुशियों के लिए पीती हूँ, और जब मेरी तीनों पोतियाँ एक साथ मुझे मिल जाए तो छोटी सी खुशी क्या, मुझे तो खुशियों का खजाना मिल जाता है। अरे पर ये जानकी, ओ जानकी मेरी मूंगफली क्यों नहीं लाई अब तक? आ रही हूँ बीजी, आ रही हूँ। मूंगफली की चाट बनाने में टाइम लगता है। हाँ वो अलग बात है कि आपको खाने में टाइम नहीं लगता और ना ही पैक लगाने में। ओए जानकी, खबरदार जो तूने पैक शैक का नाम लिया, तो ये कोई पैग वैग नहीं है। पता है ये क्या है? ये है गुट्टी, जो बच्चों को दी जाती है ना जब वो छोटे होते। मैं जब बचपन की थी ना तब से ये गुट्टी ले रही। अच्छा यार दादू, इस सेलिब्रेशन में म्यूजिक तो बनता है। हाँ। पर म्यूजिक कहाँ है? अरे दादी का रेडियो है ना, और इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे होंगे। दादू मैं जाके लेके आती हूँ। जल्दी आ। तू ना जब से तेरी याददाश्त गई तुझे कुछ याद नहीं रहता कौन सी चीज कहाँ रखी। फुट्टी लगा के बीजी ऐसी बातें भी ना करो, और मुझे सब कुछ याद है। मुझे तो ये भी याद है कि प्रज्ञा और बुलबुल बचपन में क्या क्या करती थी, कैसे खेलती थी, कैसे लड़ती झगड़ती थी, कैसे हंसती थी, है ना? और हम लोग रात को बैठ के ना अंताक्षरी खेला करते थे, और प्रज्ञा ना हमेशा अभी जहाँ बैठी है ना हमेशा वहीं बैठती थी, और बुलबुल जहाँ सृष्टि बैठी वहां बैठती थी। जाकर बुलबुल होती अच्छा, ये जो जानकी है ना ये बिल्कुल पागल हो चुकी है।
तेरी माँ की तरह बातें करने लगी है, खुद भी रोती है दूसरों को भी रुला रही। माना बेटा, आज बुलबुल हमारे बीच में नहीं, उसकी यादें तो हमारे पास है ना और हमेशा रहेंगी। चलो आज इसी याद की खुशी में एक एक गुट्टी और हो जाए। अरे यार प्रज्ञा दी, अब ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है, रेडियो ले आई हूँ, गाने सुनते हैं, चलो। लगा लगा जल्दी लगा। ओके दादू, को यहाँ से ऑन करो ना पहले। हाँ प्रज्ञा दी, मैं जानती हूँ कि हम बुलबुल की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि सृष्टि और मैं आपके साथ हमेशा रहेंगे। अरे यार ये तो गलत बात है, अकेले अकेले झप्पियाँ। अरे हम पंजाबीज हैं, पंजाबीज जो करते हैं मिलजुल कर करते हैं, और वैसे भी बड़ी बहन के प्यार पर छोटी बहन का पहला हक होता है, बड़ी बहन के प्यार पर सारी बहनों का सबसे ज्यादा हक होता है। आप अब तुम तीनों एक दूसरे को ऐसे ही जप्पी मार के खड़ी रहोगी। माँ के हाथ के बने पकौड़े किसी को नहीं खाने हैं क्या? माँ का प्यार बांट सकती हूँ लेकिन माँ के हाथों के बने पकौड़े नहीं। सेम यार, की चटनी खा दू। अरे सारे हाथ खा जाना, कुछ मेरे लिए भी छोड़ देना भाई। आराम आराम से खा, गले में अटक जाएगा, बोला था ना मैंने यहाँ भी। वेल गाइस, ये जो आप शोर सुन रहे हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन का नहीं है, बल्कि फेमस रॉक स्टार अभिषेक मेहरा के कॉन्सर्ट के बाहर खड़े उनके फैंस का है। आपको बता दूं कि कॉन्सर्ट में लगभग 1,00,000 लोग हैं और कई बेचारे अब भी टिकट्स लेने के लिए लाइन में खड़े हैं क्योंकि कॉन्सर्ट की सारी टिकट्स पहले ही बिक चुकी हैं। ये अभिषेक मेहरा का मोस्ट अवेटेड कॉन्सर्ट है और अगर आप बिना टिकट इस शो का मजा लेना चाहते हैं तो बने रहिए अपने होस्ट एंड दोस्त रघु के साथ। मैं आपको कॉन्सर्ट का आंखों देखा हाल बताता रहूंगा। ओह माय गॉड, जीजू का कॉन्सर्ट, मुझे भी जाना है। माँ मुझे भी कॉन्सर्ट में जाना है जीजू के। प्रज्ञा दी प्लीज ना, मुझे भी ले चलो ना। अभी हमारी खुशियों में कभी शामिल नहीं होगी, नहीं आज रात के कॉन्सर्ट में। इमेजिन कि हम उनके कॉन्सर्ट में गए और कल के न्यूज़पेपर में हमारी पिक्चर छप गई और कॉन्सर्ट में जो मजा आएगा वो अलग। चलो ना यार, दिस इज प्रज्ञा दी, दिस इज वेरी रॉन्ग। यदि बोलो ना उनको यार, मुझे भी चुप कर सृष्टि, कुछ भी बोलती रहती। अरे प्रज्ञा दी को क्या पता कि हम लोग इतने बड़े फैन हैं उनके, वरना वो जानबूझ के थोड़ी रोकती। और तूने रेडियो पर सुना नहीं, शो सोल्ड आउट, वरना वो जरूर ले जाती। फालतू में ये सब बातें करके ना, ऐसे ही प्रज्ञा दी का मूड खराब कर दिया। नहीं वैसे दी आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं? अरे
जाते नहीं, कम से कम उनको शो के लिए ऑल द बेस्ट तो कह देते। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनका इतना बड़ा शो है और आप यहाँ हैं। जीजू क्या सोचेंगे कि मेरे साथ होना चाहिए था, उसे अपनी बहनों के साथ जाकर सेलिब्रेट कर रही है। आप जाओ, आपको अपने हस्बैंड के पास होना चाहिए। एक मिनट, रॉन्ग। अभी जीजू प्रज्ञा दी के पहले प्यार है और उसके बाद हस्बैंड। तू तो चुप कर, इसका समझ में नहीं आता कि इसकी हाइट ज्यादा लंबी है कि इसकी जुबान ज्यादा लंबी है। अच्छा, मेरी जुबान लंबी है, अभी दिखाती हूँ। आराम से देख सबकी रही है। देख मैं सबसे पहले सॉरी बोलो अभी की अभी, और अभी अदब से सॉरी बोलना। ओके ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, ये तेरे मजाक में मुझे लग भी सकती है, छोड़ अभी। सॉरी नहीं बोला। अच्छा सॉरी, बहुत पागल है। अब प्रज्ञा दी, हमारा मस्ती मजाक तो चलता रहेगा, आप जाइए ना, वो जीजू आपकी वेट कर रहे होंगे। हाँ प्रज्ञा, प्रीता बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, तुझे इस समय अभी के साथ होना चाहिए। तू उसके साथ रहती है ना, उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। तू जा। हाँ, अगर कुछ शो में गड़बड़ हो गई ना, तो अभी यही कहेगा कि मेरा लकी जैम नहीं था मेरे पास। बता दूँ, वो लकी जैम नहीं, लकी चाम होता है। अरे वही मतलब है। तू जा बेटा, देर नहीं होनी। चलती हूँ। आती रह। तू घर आती है, तू प्रीता सृष्टि सब इकट्ठे, अच्छा लगता है। और अगर कुछ ना हो ना तो सिर्फ एक फोन कर देना, और अगर आपने फोन नहीं किया ना तो हम वहां टपक जाएंगे। फिर जीजू बोलेंगे कि ससुराल से सालियां नहीं आंधियां आ रही हैं। मैं फोन करूंगी। सच में प्रज्ञा, बहुत अच्छा लगा, आते रहना। मैं चलती हूँ। अब चल सृष्टि, इससे पहले कि माँ सुपर इमोशनल हो जाए, तू जरा रेडियो का वॉल्यूम तेज कर दे और पकौड़े ले आ। अरे ये तो प्रज्ञा दी का बैग है। वालेकुम चाचा। वालेकुम सर। चाचा आप बार बार ये पीछे क्यों देख रहे हैं, सब खैरियत तो है? अच्छा वो गोपाल तुम मिल गए, जरा एक मिनट फोन दे। अरे लीजिए ना सर, क्या बात है। बच्चे ओहो, और क्या नाम है बेटा? आज मैं अपनी दोनों बहनों से पहली बार मिली, लेकिन ये खुशी मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप तो मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहते ना, कॉन्सर्ट में आने से भी मना कर दी, और इतनी मुश्किल से आज माँ के चेहरे पर यह खुशी देखी है। अब मैं उन्हें अपनी परेशानियां बताकर और परेशान नहीं करना चाहती। ये किसका नंबर है? हेलो। हेलो प्रज्ञा बेटी, मैं खान चाचा बोल रहा हूँ। अभी तुम्हारे साथ है क्या? वो उनका कॉन्सर्ट है ना, वही होंगे, आपको बताया होगा। अल्लाह के वास्ते अभी को बोलो, अरे जो गिटार बनाया ना वो ना बजाए। गिटार नहीं बजाए? आप क्या बोल रहे हैं, गिटार कैसे नहीं बजा? गिटार ठीक नहीं हुआ है क्या? सब कुछ गलत हो गया। मेरे किए की सजा तो मुझे अल्लाह देगा, लेकिन इस वक्त तुम अभी को जाके बोलो ये गिटार आज प्ले ना करे, उसकी जान को खतरा है। क्या बोल रहे हैं आप, कांचा चौक की जान खतरे में और आप? हाँ बेटा, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले जल्दी से जाके अभी को रोको। आज कुछ भी करके ये वाला गिटार बजाना नहीं, क्योंकि उसमें बम है, बम। कैसे? बेटा मेरे को किसी ने ब्लैकमेल किया। अब बोला अगर मैं इसमें बम फिट नहीं करूंगा तो मेरी पोती आफरीन को
मार डालेंगे। इस मजबूरी में ये गुनाह मुझे करना पड़ा। मैंने गिटार के तार बॉब के तार के साथ छोड़ दिए। जैसे ही गिटार के स्ट्रिंग पे चोर पड़ेगा तो गिटार में लगा बॉब फट जाएगा और उसके आसपास जितने भी लोग हैं सब मारे जाएंगे अभी के साथ। आप क्या क्या क्या, क्या बोल रहे हैं खान चाचा? इतना भरोसा करते हो आप पे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उनकी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कैसे रुकूं उन्हें। तुम्हारे जाने के बाद एक मोहतरमा मुर्गा पहन के आई थी, उसने मुझे ब्लैकमेल किया और बोला आफरीन को गोली मार देगी अगर मैं ये बम उस पे फिट नहीं करूंगा, इसलिए मुझे गुनाह करना पड़ा। उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया और बोला घर से बाहर निकले ना तो भी आफरीन को मार देगी। मैं बड़ी मुश्किल से खिड़की के सहारे बाहर निकल के आया हूँ आफरीन को लेके। अब तुम जल्दी जाओ, तुम अभी को जाके गिटार बजाने से रोको। अगर गिटार गिर भी गया ना तो उसके आस पास जितने भी लोग है ना वो सब मारे जाएंगे। तो क्या बेटा कुछ भी करो अभी को बचा लो। लेकिन मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे कॉन्सर्ट में भी आने से मना कर दिया। मैं क्या करूँगा? प्रज्ञा दी क्या हो गया? प्रीता वो सब 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 खराब हो जाएगा। अब मैं तो रो गई हूँ। कॉन्सर्ट है ना? प्रज्ञा दी प्लीज मुझे ठीक से बताइए ना प्लीज। हुआ क्या है? वो उनका कॉन्सर्ट है, उनका गिटार है ना, उनके गिटार वो सिर्फ मुझे बहन बोलती है, मानती नहीं है। लेकिन प्रीता तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती मैं कैसे ऐसे? ये कैसी बात है? अभी अभी अपने इतनी सारी खुशियां बांटी हैं, तो क्या हम मुसीबत का सामना मिलकर नहीं कर सकते? हम कुछ नहीं कहेंगे, चलिए हम चल के कोने कोई हल निकालते हैं। प्रीता मैं तुम अगर मेरी जगह बुलबुल होती तो उसको भी इसी तरह मना करती। मैं डर गई थी, बहुत डर गई। कोई बात नहीं, हमें जल्दी चलना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलो चलो। एक मिनट, ये अकेले अकेले क्या प्लान बना रहे हो? मैं भी चलूंगी साथ में। अरे सृष्टि भावर, नहीं प्लीज दी, आप तो कुछ मत बोलो मुझे, वरना मैं आपको वो सब कहूंगी जो अभी अभी आपने प्रगति से कहा है, फिर आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो। लेकिन ये सब हुआ कैसे मुझे कुछ बाद में पता चला। सो गुड टू सी ऑल। अच्छा आप लोग टाइम पर पहुंच गए, इनफैक्ट सच बताओ तो टाइम से पहले ही पहुंच गए। हाँ और नहीं तो क्या, ये मेरे पोते की शादी थोड़ी ना है कि बारात लेट आएगी, यहाँ तो हमें जल्दी आना पड़ेगा, सबसे पहले आना पड़ेगा। और हाँ अभी शोर भी सबसे पहले हम सब ही मचाएंगे। अभी, 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 अभी,
और चाचू हम लोग को आगे वाली सीट चाहिए। अबली तू टेंशन क्या ले रही है? गौरव चाचू ने आई एम श्योर कुछ सही इंतजाम किया होगा पूरी फैमिली के लिए। चलो मैं आप सबको अंदर तक छोड़ता हूँ। चलो दादी मैं दो मिनट अपने फैंस को शांत करा। पहले फैन फिर फैमिली। बस दो मिनट में ठीक है। आप सिमा ने कहा तुम एक काम करो, तुम ये गिटार पकड़ो। ये देख क्या रही है? गिटार है, पकड़ लो। सिमोने का मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, पकड़ो इसे। Hold it, damn it, it's part of your job. आराम से। सर, संभाल के गिर जाएगा तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? गिटार गिरा ना तो मैं तुम्हें बॉम्ब पे बिठाकर फोड़ दूंगा, समझी? This is my favorite guitar. I'm going to perform with this. जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। After all, ये तुम्हारी जान चलेगा। अभी टूटेगा भी और बचेगा भी। सिर्फ तुम्हारे हाथों में अभी। After all, यही तो तुम्हें इस दुनिया से बाहर भेजेगा। दुनिया से बाहर भेजना है किसी को? नहीं, मैं जाऊंगी जब कॉन्सर्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उसके बाद ही घर जाऊंगी, पहले नहीं। नहीं नहीं, मैंने सुना तुमने कहा कि इसे दुनिया से बाहर भेजना है। किसे? किसे भी। भाभी मुझे लगता है ना कि आप दूसरों की बातें सुनने में ज्यादा टाइम देती हैं और कुछ ज्यादा ही सुन लेती है। ऐसा कुछ नहीं, मैं बिजी हूँ। मैं अपने प्लीज प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा काम है फोकस करना। मेरे कान ठीक है बेटा। मैंने सुना तुमने कहा कि इसे दुनिया से बाहर भेजना है। किसे? किसे? घटिया रॉकस्टार के घटिया फैंस, नाम तो ऐसे जप रहे हैं जैसे इन्हें पता है कि वो मरने वाला है। पर तुम बचोगे नहीं, अभी इनमें से किसी की दुआ तुम्हारे काम नहीं आएगी। इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं? अरे अब तक तो हमें वहां सबको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। एक मिनट, माना कि जीजू के पास फोन नहीं है लेकिन बाकी के घर वाले तो है ना वहाँ पे? अरे हाँ, इतनी टेंशन में मुझे सूझा ही नहीं। उनके पास फोन नहीं है लेकिन दादी होंगी ना वहाँ। हाँ। मैं दादी को फोन करती। ये तो फोन ही नहीं लग रहा। कोई बात, आप दोबारा ट्राई करो। वो अक्सर कॉन्सर्ट वगैरह में ना नेटवर्क आता जाता रहता है। अबे वो टैक्सी वाले हमें शीशे से ना ताड़ना बंद कर, ऐसी आंखें नोच लूंगी ना तेरी। और हाँ, जरा तेज टैक्सी चलाओ, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। और डायलॉग नहीं मार रही हूँ, सीरियस हूँ मैं। एक मिनट रुकिए आप लोग। सॉरी सर, आप सब लोगों को अपना मोबाइल जमा करना पड़ेगा। गौरव ये कैसा रूल? अभी तू भूल गया पिछले कॉन्सर्ट में क्या हुआ था?
यार ये सिक्योरिटी इसीलिए डबल की गई है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तू कह रहा है तो ठीक ही होगा। लग गया, फोन लग गया। वेरी गुड। हाँ, मुन्नी का फोन। बस एक बार दादी से बात हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे है तू? बात तो करने दे। कोई जरूरत नहीं दादी से बात करने की। अभी क्या कर रहा है यार, फोन क्यों काट दिया? क्या पता प्रज्ञा दी को, मुन्नी को कोई इंपॉर्टेंट काम हो। जब हमारे लाइफ में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं तो कौन सा इंपॉर्टेंट काम? पूरा मैंने सबसे कह दिया था ना कि कोई इसे बात नहीं करेगा, तो मतलब कोई बात नहीं करेगा। और ये जो लड़की है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे कॉन्सर्ट के अंदर फ्रंट एंट्री, बैक एंट्री, इमरजेंसी एग्जिट, फायर एग्जिट, सारे एग्जिट्स पर गार्ड्स होने चाहिए। और अगर ये कॉन्सर्ट के अंदर आई, यू गाइस विल लूज योर जॉब्स। ओके, ठीक है। अभी कम ऑन यार, मुझे लगता है तो कुछ ज्यादा ही कर। पूरब, इसने जो किया वो कम था, एंड आई एम सीरियस दिस टाइम। अगर ये मेरे कॉन्सर्ट के अंदर आई ना, तो मैं उसी वक्त गिटार छोड़ दूंगा, आई विल स्टॉप परफॉर्मिंग। अच्छा ठीक है, तू ये गुस्सा मत कर और जल्दी चल, तेरी परफॉर्मेंस का टाइम आ। कम ऑन, लेट्स गो। एवरीवन प्लीज मोबाइल शांत रख देना। दादी चल। चल। ये तो किसी का भी फोन नहीं लग रहा। किसी का फोन नहीं लग रहा। झटके
लटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा जरा सा क्रेजी हो जवान मा पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके पहुंचने से पहले उन्होंने गिटार बजा दिया तो नहीं आप इस तरह नेगेटिवली मत सोचिए और आपने कहा ना वो गिटार फाइनल परफॉर्मेंस में बजाने वाले हैं तो उससे पहले हम जरूर पहुंच जाएंगे कुछ नहीं होगा अभिजीत को लेकिन आप कॉन्सर्ट में जाने में भी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है सुबह हम दोनों की कुछ अनबन हो गई और उन्होंने मुझे कॉन्सर्ट में आने से बिल्कुल मना कर दिया एक मिनट लेकिन ऐसा क्या हो गया जो चीजों ने आपको कॉन्सर्ट में आने से मना कर दिया पूछने तो ना हस्बैंड वाइफ में अनबन होती रहती है इट्स वेरी नॉर्मल क्वेश्चन करता है क्या कोई चुप कर अरे बाप रे बाप अगर हस्बैंड और वाइफ में ऐसे झगड़े होते हैं तो मुझे नहीं शादी करनी मैं तो कुंवारी ठीक हूँ नो मिंगल स्टे सिंगल ऐसा नहीं बोलती छुटकी सब बुरा नहीं होता जो अच्छा होता है ना वो बहुत अच्छा होता है हम हमेशा लड़ते थोड़ी है इतना प्यार है हम दोनों के बीच में एक दूसरे की खुशी के लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं अच्छा ठीक वैसे जैसे प्रीता दी ने करण सर के लिए किया उनकी सारी मुसीबत अपने पर ले ली ताकि वो जेल से छूट सके और उनका करियर बच सके तो सच में दिमाग नहीं है ना कोई भी टॉपिक कहीं भी ले आती है इस वक्त बस हमें जल्दी अभी जीजू के पास पहुंचना मुझे ये कुछ नहीं होना चाहिए ये हूटिंग ये शोर बीकेसी ग्राउंड का है जहां अभी द रॉक स्टार का कॉन्सर्ट चल रहा है पहली धमाकेदार परफॉर्मेंस खत्म हुई है और उसी के साथ रॉक स्टार की वेन्यू में एंट्री हुई है उनके फैंस उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि उनका रॉकस्टार आए और हाथ में गिटार लेकर धूम मचा दे एंड द टाइम हैज कम अरे थोड़ी देर बोल रहा है ये तो थोड़ी देर बोल रहा है हां वो कॉन्सर्ट में पहुंच गया हम आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे आप बिल्कुल मत घबराओ उसने कहा ना कि अभी परफॉर्मेंस शुरू नहीं हुई परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले हम पक्का पहुंच जाएंगे भैया तेज चलाओ यार क्या कर रहे हो यार
परेशानी को तकदीर के हल पे लिखे हैं। पैरों के निशान जब देखे जहां सौ बार झुकाया सर को मुझे इस गिटार को पकड़ते हुए भी डर लग रहा है। ये जल्दी से तैयार हो और इस मौत के सामान को अपने हाथों में पकड़े। मेरा गिटार कब? गॉड जल्दी से ले लिया, मेरी तो सांस ही अटकी हुई थी। बस अब ये स्टेज पे जाए और ये गिटार सही टाइम पर फट जाए। धमाके से जो इसके टुकड़े होंगे उसके एक एक फैन को मिलने चाहिए। बस सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मतलब मेरा मतलब है कि आपको भी प्रैक्टिस की कोई जरूरत ही नहीं है। रॉक स्टार सर। सर आई नो, आप एक बार स्टेज पर जाएंगे ना, आप वहां जाकर धमाल मचा देंगे। सर सर, वो आपका फेवरेट सॉन्ग है ना, जो आपके फैंस का भी फेवरेट सॉन्ग है, कौन सा है? हैप्पी लव। यस सर, वो प्लीज जरूर बजाइएगा आज। एक्चुअली वो गाना मेरे लिस्ट में है, मैं वो गाने को। वाओ सर। सर यू नो व्हाट, वो जो उस सॉन्ग का लास्ट पोर्शन है ना, When you play it really hard, sir, उसका sound इतना magical होता है, I'm sure आपके fans आज पागल होने वाले हैं। But sir, आज आप stage पर जाकर ना धमाका कर दीजिएगा। Of course. अभी यार वो करण और ऋषभ आ गए। अच्छा तो तू उन लोगों को बाहर क्यों छोड़ा है? यार तूने ही तो बोला था तुझे ग्रीन रूम में कोई नहीं चाहिए। That's correct. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं चेंज करके आता हूँ। Okay, I'll see you outside. Get the guitar ready. थैंक यू खान चाचा, आपकी इस कारीगरी को मैं कभी नहीं भूलूंगी और आपके इस धोखे को मेरा फैमिली। यार तू अच्छी तरह से जानता है मुझे ये रॉक कॉन्सर्ट्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। I love cricket. ये सब बातें यहाँ पर मत बोल, क्योंकि पुलिस केस की वजह से जो तेरी परफॉर्मेंस खराब हुई है, जो तेरी इमेज खराब हुई है, वो इसी परफॉर्मेंस के बाद तेरी ठीक होगी ना। इसके बाद Everything will back to normal. Okay. और हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम प्रज्ञा जी को इस तरीके से indirectly thanks बोल सकते हैं। Because अगर वो अपनी NGO friends के साथ मिलके efforts नहीं करी तो प्रीता जी जेल से कैसे छूटती? ये सब कुछ possible हो पाया सिर्फ प्रज्ञा जी की वजह से। You understand that? अभी? ऋषभ, अभी तुमने जो प्रज्ञा और प्रीता के बारे में कहा था वो क्या प्रज्ञा ने सच में प्रीता को? ऑफ कोर्स, प्रज्ञा जी की वजह से ही तो प्रीता जी जेल से बाहर आ पाई। मैं अभी तक सोचता था कि सिर्फ आप ही ग्रेट, पर अभी योर वाइफ इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन। उन्होंने सुबह से पता नहीं क्या क्या करके तभी पॉसिबल हो पाया। प्रज्ञा सुबह से वहीं पर है तभी तो प्रीता जी जेल से बाहर आ पाई। ये साबित क्या करना चाहती? मेरे सामने प्रज्ञा बन रही है समझ में आता है, पर प्रज्ञा की बहनों के सामने पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में।
एक्चुअली ऋषभ, हमारी प्रज्ञा दी है ही ऐसी, जब बात अपनों की आती है तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाती है। एनीवेज, तो करण तुम तैयार हो अपनी परफॉर्मेंस के लिए? मेरा नाम करण लूथरा है और मैं कोई रॉकस्टार थोड़ी ना हूं जो मुझे रिहर्सल्स की जरूरत पड़े। आई एम ऑलवेज रेडी। ऑल द बेस्ट टू यू टू। ओके कम ऑन, इट्स टाइम टू परफॉर्म। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट टू इट। थैंक यू। What I gotta say. Y'all ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me and yeah. All I got is you. पता है लियो, अभी के बाद अगर कोई लड़का मुझे अच्छा लग रहा है तो वो ये है, करण लूथर। अच्छा, निखिल को भूल गई क्या? इन सारे उसका नाम भी मत भूल। तो तुम भी इस कॉन्सर्ट में मेरे ही रॉक स्टार भाग, यानी अभिषेक प्रेम मेरा के अलावा किसी और का नाम मत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। प्रज्ञा जी की वजह से ही तो प्रीता जी जेल से बाहर आ पाई। मैं अभी तक सोचता था कि सिर्फ आप ही ग्रेट, पर अभी योर वाइफ इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। हे भगवान, बस इन्हें सही सलामत रखना,
प्लीज आपने हमें मिलवाया है, आप फिर से हमें अलग मत करना प्लीज। अभी सर का फाइनल परफॉर्मेंस कब होगा? क्यों? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो सर, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ ना, और मुझे सब रीचेक करना होगा, और सर ने बोला था कि वो अपना फेवरेट सॉन्ग गाने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, उसमें अभी टाइम है। ये कैसी बेवकूफ जैसी बातें करते हो ना? फाइनल परफॉर्मेंस का मतलब है सबसे लास्ट में, मतलब और इंतजार। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये इंतजार, वो भी जब आपकी मंजिल बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो। अरे और तेज, अरे इससे ज्यादा तेज चलाओ ना यार, आपको आपको मुंबई में होने वाली टैक्सी ओलंपिक रेस जीतनी ही नहीं जीतनी है। टैक्सी ओलंपिक रेस? हाँ, मैं जिस कंपनी के लिए काम करती हूँ ना, उन्हीं का इवेंट है, वही करवा रहे हैं। अरे मैडम, अभी आपने मेरी स्पीड देखी कहाँ है, ये देखो। क्या बात है, क्या बात है, अब आया ना फास्ट एंड फ्यूरियस वाला डोमिनिक आपके इसमें। वेरी गुड वेरी गुड, 90 90 90 90। अरे ऋषि पागल है क्या, गाड़ी का उड़न खटोला बनाएगी क्या? मेरे पास चला है तो मैं वो भी कर दूँ, मुझे बस प्रगति को जीजू के पास पहुँचाना है। अरे भैया चलो ना जल्दी, और क्या कर रहे हो यार? छुटकी जीजू के पास पहुँचना है, तेरे ऊपर वाले के पास नहीं। हाँ। अरे दी बेंस रिस्टीज या हैव नो फियर, रिलैक्स रिलैक्स। अरे भैया आप चलाओ ना जल्दी, तेज और 100 100 100 की स्पीड। ओ माय गॉड, आराम से। हाँ, अभी मैं अपने दिखा रहा हूँ। हाँ, आगे से लेफ्ट लेफ्ट। हाँ। अभी सीधा 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 सीधा। अरे सामने। मैडम आप ही ने तो कहा था ओलंपिक रेस जीतनी है, स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। अरे स्पीड बढ़ाने को कहा था, लेकिन वक्त पे ब्रेक भी तो लगाओ ना। ठीक है सृष्टि, अब हम आगे चल के चले जाएंगे। ये लीजिए चेंज, आप रख लीजिए। चलो चाहे ये कि तुम्हें रास्ता बुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए, सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता बुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। जो ना देखो तो
एग्जिट नंबर 2 और 3 शो खत्म होने के थोड़ी देर बाद खोल क्योंकि वीआईपी सेक्शन साथ में ही एंड बी अलर्ट ओके पूरब जी हाँ बोलो सो सॉरी मैं शायद आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ पर मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है अजीब सी घबराहट हो रही है जैसे जैसे उस दिन हुई थी जब संग्राम सिंह आपको उठाकर ले गया था पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत होने वाला है ये इस घर की बहुएं मांग में कुमकुम लगाते ही पता नहीं इनकी कौन सी सिक्स सेंस जाग जाती है एक मुन्नी जो अभी की बीवी नहीं है फिर भी उसकी हर मुसीबत को भांप लेती और ये दिशा पूरब की बीवी है पर अभी के साथ कुछ गलत होने वाला है इसको पहले ही पता चल गया बस इसे मेरे प्लान के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए चिंता मत कर तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रज्ञा दी यहाँ पर नहीं और तुम तो जानती हो मैं तो प्रज्ञा दी को ले आती लेकिन अभी का गुस्सा भी तो जानती हो तुम अगर वो यहाँ आती तो वो यहाँ से शो छोड़ के चला जाता so don't worry, relax. अच्छा हुआ नहीं बुलाया वरना वो मेरे प्लान में टांग जरूर अड़ाती अब टाइम सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं वैसे सिक्योरिटी वगैरह सब ठीक है ना सिक्योरिटी पे ध्यान मत दो अगर ध्यान देना ही है तो वहाँ दादियों पे दो देखो कैसे कमर पकड़ पकड़ के नाच रही अभी घर जाके घुटने पकड़ के बैठ जाएंगे आप टेंशन मत लीजिए घुटनों में दर्द होगा ना तो मैं दबा भी दूंगी बस ऐसे स्माइल करती रहो
हर शो में मेरा लकी चार्म बनकर मेरे पास रही हो। आज पता नहीं कहाँ हो। तुम मेरे पास नहीं आ सकी, पर मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंचेगी। I love you. अभी, 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 अभी। दादी, 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 आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। बैठ जाइए आप। आराम से बैठ जाइए। खुशी के मौके में कोई दर्द दर्द नहीं होते। और अगर कोई पुराना दर्द हुआ भी ना तो वो भी भाग जाएगा। मुन्ने की चमची। जी आप अभिषेक मेहरा की दादी है ना? हाँ हाँ, मैं अभिषेक मेहरा रॉक स्टार की दादी हूँ। और ये सब लोग कौन है? ये है हमारी दिशा, अभिषेक मेहरा की छोटी भाभी। ये है अभिषेक मेहरा की ताई जी, इनके ताऊ जी, उसके बड़े भैया। और ये है, और ये है उनकी भतीजी बबली। हो गई मेहरा फैमिली कंप्लीट। दासी, मेरे बिना मेहरा फैमिली कैसे कंप्लीट हो गई? आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं। ओ, क्या है ना मिताली, तू मुझे दिखाई नहीं दी। मैं आपको नहीं दिखी? आज मैं इतनी तैयार हुई हूँ, इतनी सुंदर लग रही हूँ, और मैं आपको नहीं दिखी? ये कोर्ट कचहरी अब घर पे लगा लेना। हाँ, अब चुपचाप बैठ।
Are you guys ready to rock tonight? Yes! Then let's rock it tonight. सृष्टि जल्दी रहो अरे यार लंबी मैं हूँ पीटी उषा आप लोग बने फिर रहे हो मैं मेरी सांस फूल रही है मैं और नहीं झूठ सकती अच्छा अच्छा ठीक है ऐसा कर तू यही बैठ जा मैं और पीता आगे जाते हैं हाँ ठीक है तू आराम से चलो तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप लोग कच्ची डोरियों पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला कायना दिया है तुमने वो सब जिसका देखा था आज तक ख्वाब करती हूँ ये वादा मिलकर बनाएंगे हकीकत को यादगार कि जिंदगी ले जाए हकीकत को ख्वाबों के पार हसीन सफर को बनाया है तुमने बहुत खास करता हो दुआ खुदा से सदा जिंदा रहे ये बनकर मेरा तो खुदा भी डूबे जाते
पास नहीं है, हम एक मिनट। सॉरी पर आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अंदर क्यों नहीं जा सकते? नहीं जा सकते मैम, हमें ऑर्डर्स हैं। ये अंदर बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, प्लीज हमें जाने। आप अंदर नहीं जा सकते मैम, मैं आपको कह रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं अंदर जाने दे सकते? मैं अभिषेक मेहरा की बीवी हूँ, आप जिनका कॉन्सर्ट है उनकी बीवी को अंदर नहीं जाने देंगे? आप अभिषेक मेहरा की बीवी है? हाँ। अभिषेक मेहरा ने ही आपकी एंट्री पर रोक लगाई, तो ये बहाना आप किसी और को जाके सुनाएं। खुद मना किया। जी हाँ, ये देखिए, ये हमारे चीफ ऑफिसर सिक्योरिटी ने हमें भेजा है और कहा गया है कि इस लेडी को अंदर ना अलाउ किया जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज जाइए आपको यहाँ से। अच्छा आप इन्हें नहीं जाने दे सकते, मुझे तो जाने दे सकते हैं ना, मेरी तो कोई फोटो नहीं आया आपके पास, मुझे अंदर। ठीक है अपना पास दिखाइए आप। पास? पास नहीं है हमारे पास, पास तो आम लोगों के लिए होता है ना, हम फैमिली हैं। वो जो अंदर परफॉर्म कर रहे हैं मेरे जीजा जी हैं, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, ये सब बातें मत कीजिए। अभिषेक मेहरा आपके जीजा जी हैं? अच्छा, तो अमिताभ बच्चन मेरे ताऊ जी और सचिन तेंदुलकर मेरे मामा जी। कमाल करते हैं आप, इतनी सीरियस सिचुएशन है, हमें अंदर जाने, किसी की जान खतरे में, आपको मजाक की पड़ी है? अब भी सीरियस ही है, ये आपकी बहन है ना, अगर हम इन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे तो हम आपको कैसे अंदर जाने दे? आप कैसे नहीं अंदर जाने देंगे हमें, प्लीज अंदर जाने दीजिए ना। आप लोग चले जाएं यहाँ से, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। देखिए आप मेरी बात मानिए, एक बार हम अंदर जाके मिस्टर अभिषेक मेहरा से मिल लेंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अंदर उनकी जान खतरे में, हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। प्लीज एक बार अंदर जाने दीजिए, उसके बाद हम खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे, हमें रुकना नहीं है। प्लीज आप लोगों से ही उनकी जान को खतरा है, मैं तो फिर भी उनकी जान बचा रहा हूँ। सॉरी अभी, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, पर मैं तुमसे नहीं पूछूंगी क्योंकि तुम्हारी मौत मेरी ख्वाहिश है। काउंटडाउन बिगिंस। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री।